स्लाइड लगाएंगे ना। नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। CSDS में आज हमें बहुत खुशी है कि शेखर पाठक जी आज हमारे बीच हैं। फिजिकली तो नहीं आ पाए हैं अभी तक, लेकिन हमें उम्मीद है कभी न कभी वो खुद भी यहाँ चल के आ जाएंगे। आप में से कई लोग शेखर जी से परिचित होंगे और प्रतिमान से भी, और प्रतिमान के इस व्याख्यान माला में इसके बारे में मेरे मित्र अभय जी थोड़ी देर में बताएंगे। मैं शेखर जी के बारे में बहुत पहले सुना था जब मैं विद्यार्थी था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन मिलने का मौका बहुत हाल फिलहाल में ही हुआ, 2-3 साल पहले, जब रमाशंकर ने एक मैं उनको बता रहा था गंगा नदी पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया था शिमला में। बहुत बातें हुई थी वहां, लेकिन जो चीज मुझे याद है शेखर भाई वो ये है कि जब आपको फूलों का गुलदस्ता दिया गया तो आपने कहा फूल जरूर दीजिए, प्लास्टिक में लपेट के मत दीजिए बस, तो फूल तो अच्छे होते हैं बर्बाद कर देता है। और अब क्या कहें, अब इस कोविड के दौरान तो जूम पे ही हेलो हाय करना होगा की भी गुंजाइश नहीं है। पर बहुत स्वागत है आपका, और CSDS की ओर से सभी साथियों का भी बहुत स्वागत है जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर जी का औपचारिक परिचय हमारे मित्र और प्रतिमान के संपादक अभय दुबे जी देंगे। तो अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमारे निदेशक प्रोफेसर अवधेन्द्र शरण ने औपचारिक रूप से या अनौपचारिक तरीके से शेखर भाई का परिचय दे दिया है, लेकिन फिर भी हर कार्यक्रम की एक औपचारिक आवश्यकता होती है और उसको निभाते हुए मैं प्रतिमान व्याख्यान माला की तरफ से आप सब लोगों का, सभी प्रतिभागियों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आज हम लोगों की ये खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में श्री शेखर पाठक मौजूद हैं, जो विख्यात पर्यावरणविद हैं और बहुत बड़े और बहुत ही गहन संस्कृति के विमर्शकार हैं। उनका वो इतने विख्यात हैं, सब लोग उन्हें जानते हैं व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक जीवन में भी, कि उनका परिचय देना अपने आप में कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार फिर औपचारिकता को निभाते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि शेखर भाई ने अपनी अध्ययन यात्रा उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का अध्ययन करने से शुरू की थी। अभी हाल ही में उनकी 2 पुस्तकें आई हैं और एक पुस्तक तो 2 खंडों में है। एक पुस्तक है हरी भरी उम्मीद, जिसके बारे में, जिसकी 2 समीक्षाएं, रविकांत शायद 2 समीक्षाएं हम लोग इस बार प्रतिमान के अंत में ले रहे हैं, और उसके बाद 2 खंडों में उनकी एक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है, दास्तान हिमालय। और इसके बाद तो मैं कुछ कहूं ये समय की बर्बादी होगी। शेखर भाई पहाड़ी संस्कृति, पर्यावरण और आपदा के विषय पर अपनी बात रखेंगे। हम जानते हैं रोज अखबारों में खबर आती है कि वहां से पहाड़ दरक रहे हैं, और फिर भी वहां पर बड़े पैमाने पर उस मैदानों से पर्यटकों का सैलाब सा उमड़ा हुआ है। जैसे ही तालाबंदी खुली कोरोना महामारी के बाद में, ऐसा लगा कि मैदानों के सारे पर्यटक उत्तराखंड की तरफ और हिमालय के इलाके की तरफ झपट पड़े, और अब वहां पर पहाड़ दरक रहे हैं, बड़े पैमाने पर प्रलय जैसी स्थितियां हैं। और शेखर जी इस विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे और फिर हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी उनके साथ में चर्चा भी करेंगे। आइए शेखर जी, आपकी बारी है। हमारे CSDS के अविजेंद्र जी, अभय जी और अभिकांत जी और सभी दोस्तों, जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, कोरोना काल में तो दूरियां यूं ही बढ़ गई हैं, लेकिन इन दूरियों में भी अगर एक दूसरे को देख लें तो एक इत्मीनान तो हो जाता है, कम से कम अपने और अपने साथियों के जीवित होने का। मुझे उम्मीद है कि ये काला समय जाएगा हमारे समयों में से, और हम लोग कभी ना कभी मिलेंगे और हमारी संस्थाओं में फिर ज्यादा सक्रिय जिंदगी लौटेगी। मैं आगे को बात शुरू करता हूँ क्योंकि समय का प्रभाव हो जाएगा। मेरे दोस्तों ने मुझे पहाड़ी यानी कि हिमालयी संस्कृति, पर्यावरण और आपदा यानी 3 ऐसे विषयों पर बोलने के लिए कहा है जो 3 एक प्रकार से स्वतंत्र महाभारत हैं।
मैंने ऐसा किया है कि स्लाइडें भी लगा दी ताकि आप मेरा थोबड़ा देखते देखते मोनोटोनी के शिकार न हो। शहरों में तो ज्यादा ही हो जाते हैं, पहाड़ों में कम होते हैं, तो कुछ हिमालय की विजुअल भी आते रहेंगे, लेकिन विजुअलों के सौंदर्य में नरम है, उसके पीछे जो अगर पीड़ा कहीं दिखाई देती हो या अंतर्विरोध दिखाई देते हो उनको पकड़ें। तो ये तीन स्वतंत्र महाभारत हैं, बाहर से देखने पर ये जुड़े हैं और कुछ ज्यादा ही जुड़े हैं, पर भीतर से देखने पर मेरी बरकत इतनी नहीं बन पा रही है कि इनको एक साथ देखूं। किताब में तो हो भी जाए पर भाषण में न हो, जुराब पहनाएंगे तो टोपी रह जाएगी और टोपी पहनाएंगे तो जुराब छूट जाएंगे। अब पहाड़ों में आप जानते हैं कि दोनों जरूरी हैं। वैसे भी तमाम लोग हिमालय को नहीं उसके कुछ हिस्सों को देखते हैं, कश्मीर को अलग और अरुणाचल मिजोरम को अलग, उत्तराखंड नेपाल या भूटान को अलग, तिब्बत को तो देखना ही भूल जाते हैं, जैसे बीच में प्राचीन तैथिस सागर फिर आ गया हो। हिमालय इतना बड़ा और विविध है भूगर्व भूगोल और इतिहास और संस्कृति में कि गूगल से तो देख लें पर उसके कोने कांतरों में जाने में 20 जिंदगी भी कम पड़ जाए। 20 माने प्रतिभा संपन्न 20 टीमों की जिंदगी। चलिए इन तीनों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि मेरी समझ भर जो बनता है उसको आपसे शेयर करते हैं। अब हिमालय और ज्यादातर उत्तराखंड के बहाने उसकी बात करते हैं। ये जो हिमालय है इसमें पहाड़ हैं, गल यानी कि ग्लेशियर हैं, नदियां हैं, बुग्याल हैं, जंगल हैं, घाटियां हैं। इसमें पाद प्रदेश हैं जिन्हें हम लोग भावर, दून, द्वार या तराई कहते हैं। फिर तराई के बाद गंगा का मैदान आ जाता है और एक तरह से समंदरों तक हिमालय का रिश्ता जुड़ जाता है। जब हम सिर्फ अपने हिस्से के हिमालय को देखते हैं तो इसमें एक खतरा है कि हम उसको व्यापकता में नहीं समझ पाते हैं। और सरकारी और नीति के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय लेने में या तो गड़बड़ी होती है और या हड़बड़ी हो जाती है। और हिमालय की जो पूर्व और पश्चिमी निरंतरता है उसके साथ इसका जो उत्तर और दक्षिणी रिश्ता है वो भी हमारी नजरों में नजर एक तरीके से नजरअंदाज हो जाता है। ऊपर से भारत के उत्तर में हिमालय को देखने की हमारी बहुत पुरानी आदत है और कभी भी इस हिमालय को हम एशिया के बीच में नहीं देख पाते हैं, इसीलिए संस्कृति का पर्यावरण और आपदा से जो रिश्ता है वो हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी एक समाज की हैसियत से भी हिमालय के, और कभी कभी उस समाज की हैसियत से भी जो हिमालय से बाहर पूरे उत्तरी भारत में फैला हुआ है और हिमालय से सीधा जिसकी रिश्तेदारी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, उत्तरी पश्चिमी म्यांमार, बांग्लादेश का चिट्टगांव हिमालय, ये सब हिमालय के हिस्से माने जाते हैं। भारत में करीबन 10 हिमालयी प्रांत माने जाते हैं और पश्चिमी बंगाल का जो दार्जिलिंग और कोलिंगपांग या असम के कुछ पहाड़ी जिले जो हैं वो भी हिमालय के हिस्से माने जाते हैं, अपने पूरे स्वरूप में वो पहाड़ी हैं। और तिब्बत कम से कम उसका जो ब्रह्मपुत्र, गंगा यानी कि कर्णाली तथा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का जो जलागम है उसे सदा हिमालय से काट कर देखा जाता है। बहुत सारे भूगोलविद, पर्यावरणविद भी ऐसा करने की गलती करते हैं। मैं इसे हिमालयी कायनात का हिस्सा मानता हूँ, यानी कि तिब्बत का वो हिस्सा जहाँ से उत्तरी भारत की भागी विधाता नदियां अपने जल ग्रहण करके नीचे को आती है। अब संस्कृति, पर्यावरण और आपदा, जो तीनों हैं, इनका मूल रिश्ता भूगोल से है। और ये भूगोल की क्या विशेषता है कि यह एक भूगर्भ की गोद में निरंतर बैठा रहता है, और जो बैठा रहता है यानी भूगोल वह तो दिखता है हमको, पर जो अपनी गोद में उसे बिठाता है यानी भूगर्भ, वह छुपे रुस्तम है। शेषनाग वहां बैठा हो या न हो पर उसके भीतर आग और रोशनी का अपरंपार भंडार है। करोड़ों साल की ऐठन है, बेचैनी है और फट पड़ने की दिली तमन्ना है। यह एक ऐसी उद्दीप्त भट्टी है जिसमें समंदर के तल की मिट्टी चट्टान बन गई और चट्टानों पर जैसे दीमक लग गया, जंगल को कोयला बना दिया और जीवों को तेल। हिमालय के भीतर की गर्मी खनिज को धातु और धातु को हीरा बनाकर उससे खौल गए पानी को बर्फीले हिमालय में बाहर निकाल देती, बकायदा गंधक की खुशबू के साथ। अब ऐसे विचित्र और कठिन और नाजुक और बहुत ही युवा हिमालयी या पहाड़ की संस्कृति और उसके पर्यावरण और उसकी आपदाओं पर
बात का सिलसिला एक एक करके जरा कुछ कुछ किंचित विस्तार में करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले संस्कृति की चर्चा करते हैं। हालांकि मैं इसका जरा सा भी विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जोखिम उठा लिया है क्योंकि आपने मुझे फंसा रखा है इसमें। हिमालय का जो ऊपर उठता हुआ और निरंतर नीचे बहता हुआ जो भूगोल है, वह संस्कृतियों और पर्यावरण को भी ऐसा ही करने को विवश करता है, यानी कि उसका अंतर संबंध बाकी उत्तरी भारत के भूगोल से समाज से बन जाता है। आंतरिक बेचैनी और बाहरी नाजुकता हिमालय का स्वभाव है और उसे छिपाना उसके लिए संभव नहीं। इस कारण गतिशीलता भी उसके स्वभाव में है। विशाल गल, ऊंचे शिखर और गहरी घाटियां इस गति को बहुगुणित कर देती हैं। हिमालय का पर्यावरण और आपदाएं एक सी उम्र की है, ये दोनों एक सी उम्र की हैं। इसमें सिर्फ संस्कृति बाद में आई है, वो इनके मुकाबले बहुत कम उम्र की है और वो मनुष्य के साथ आई है। जब जब मनुष्य ने पर्यावरण से समझौता किया, प्रकारांतर में उसे उसका लाभ मिला। आपदाएं फिर भी थीं और मनुष्य उनसे समायोजित कर लेता था। हिमालय में जब चारों तरफ से मनुष्य आया और उसने अपने को टिकाना शुरू किया, तो शिकारी संग्राहक से पशुचारक, खेतीहर, कुटीर उद्योगी, व्यापारी या नौकरी पेशा तक जितने चरणों में वह गया, उसकी संस्कृति बनी और बदलती रही, जारी रहा। कुछ स्थायी भाव आए और कुछ अंतरे बदलते रहे। अनेक मामलों में घास का, दूध का, दही का, मट्ठा मक्खन बनता रहा। कभी घी बनने पर पीछे की कहानी भुलाने की कोशिश भी होती रही। तब तक डालडा का आविष्कार नहीं हुआ था कि घी को भूल जाए, यानी मिलावटी तत्व अभी नहीं आए थे हिमालयी समाज और संस्कृति में। इस सब ने पहाड़ों में अनेक स्वायत्त लोक रचे और लोक संस्कृतियां बनी, पंती संवरती गई। निखरते निखरते इसके कुछ आयाम स्थायी हो गए और कुछ फिर भी बनते बिगड़ते गए। ये सिलसिला लगातार हजारों साल से चला। हिमालय में संस्कृति नहीं, तमाम लोक संस्कृतियां हैं। मैं बहुवचन में बता रहा हूं। यह अलग अलग क्षेत्रों से आए मानव समुदायों के कारण संभव हुआ। यह एक प्रकार से बहुलोक सांस्कृतिकता है। कोई ज्यादा और कोई कम दिख सकती है, पर हर एक की अपनी हैसियत है। हिमालय इस अर्थ में मानव समुदायों का मिलन केंद्र है, मिलन क्षेत्र है कि इसके दर्रे मनुष्य के आवागमन को सदा संभव बनाए रखे। लेकिन हिमालय इस अर्थ में दीवार है कि यह भारतीय मानसून को तिब्बत में जाने नहीं देता है और तिब्बत और मध्य एशिया की जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकता है। यह जलवायु निर्माता और पानी की मीनारों का क्षेत्र अलग से है। जो वर्ल्ड माउंटेन की रिपोर्ट है उसमें वाटर टावर्स ऑफ एशिया या वाटर टावर्स फॉर 21st सेंचुरी जैसे शब्दावली का इस्तेमाल हिमालय के नदी पानी ग्लेशियरों के लिए किया गया है। प्रकृति पूजकों से बने हिमालयी समाजों में बहुत बाद में आए बोनपा, हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख तथा ईसाई जैसे संस्थानिक धर्म भी यहाँ अपने भीतर लोक संस्कृतियों की विविधता को समाये रहे। संस्थानिक धर्मों में लोक की लेप लगातार देखी जा सकती थी। दरअसल इन धर्मों को मानने वाले पुराने लोक धर्मों को मानने वाले ही थे। वो पहले किसी और धर्म को मानते रहे थे और वही फिर नए संस्थानिक धर्मों की तरफ धीरे धीरे आते गए। दरअसल इन धर्मों को मानने वाले, जैसा मैंने बताया कि पुराने धर्मों को मानने वाले ही थे, इसलिए प्रकृति पूजा न सिर्फ तब बल्कि अभी भी यहाँ प्रचलन में है और स्थानीय देवताओं या लोक देवताओं का वर्चस्व भी बना हुआ है। स्थानीय देवताओं, लोक देवताओं की जो हैसियत है वो अखिल भारतीय देवता उसको खास प्रभावित करने में कामयाब अभी भी आज भी नहीं हो पा रहे। हिमालयी देवों में ब्रह्मा तथा विष्णु के मुकाबले शिव बड़े प्रभावी हैं। उनकी उपस्थिति अमरनाथ, पंचकेदार से काठमांडू होकर कैलाश तक है, जो पश्चिमी तिब्बत का एक बड़ा सुंदर और महत्वपूर्ण स्थान है। कभी वे यानी कि शिव हिमालयी पश्चारकों के देव रहे होंगे, ऐसी मेरी कल्पना है। कोई गुस्से में भी आ सकते हैं इसको सुन करके। पूरे हिमालय के तिब्बती सीमांत में एक जीवंत बौद्ध संस्कृति अपने अनेक चेहरों के साथ मौजूद है। बामियान, तक्षशिला से लद्दाख, स्पीति होकर नेपाल, भूटान से अरुणाचल तक इससे देखा जा सकता है। ये जो नाम लिए मैंने बामियान से लेकर अरुणाचल तक,
आप देख सकते हैं कि इसमें एक दर तरह तरह की अलग अलग किस्म की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अलग अलग तरीके की संस्कृतियां, अलग अलग तरीके की क्या कहेंगे एक समाज व्यवस्थाएं आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन ये बौद्ध पट्टी यहाँ भी एक निरंतरता में है। उत्तराखंड में किंचित ये विरल है, लेकिन यहाँ भी कुछ न कुछ उसका अवशेष बचा हुआ है। और तो और जो बांग्लादेश के चकमा है, वह भी चकमा जन भी जो है बौद्ध मतावलंबी है। ऐसे ही दक्षिणी छोर में अगर हिमालय में हम देखें तो कामाख्या से पुण्यागिरी होकर वैष्णो देवी तक शाक्त या मातृदेवी की परंपरा का विस्तार है, जो मनुष्य को उसकी प्रारंभिक आस्था विश्वास तक ले जाती है। बद्रीनाथ या मुक्तिनाथ जैसे कुछ वैष्णव क्षेत्र भी हैं, पर आश्चर्य की तरह यह उपस्थिति नागाओं के बिल्कुल बगल में मणिपुर में भी चुपचाप पहुंची है। वहां भी वैष्णव लोग विराजते हैं। आज कश्मीर में बौद्ध, शैव और इस्लाम, इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहूंगा कि सूफी परंपरा की परत अलग से मौजूद थी वहां, तो बौद्ध, शैव और इस्लाम का जो ताना बाना था उसकी उपस्थिति आज भी कश्मीर में दिखती है। दरअसल उसी ने कश्मीरियत का आविष्कार एक प्रकार से किया, और जो एक जबरदस्त दबाव में और खतरे में आज के दिन हम सबको दिखाई देती है। कश्मीर में ईसा मसीह की कहानी भी प्रचलित है, पर ईसाई धर्मावलंबी हिमालय के संदर्भ में पूर्वोत्तर के कतिपय क्षेत्रों में पिछले 150-150 साल से आने और बनने एक तरीके से स्थापित होने शुरू हुए थे। ये समुदाय एक प्रकार से प्रकृति पूजा से सीधे संस्थानिक धर्मों में आए। पुरानी बहुत सी अभिव्यक्तियों को उसके बाद भी बनाए रहे, जबकि उन्होंने नए धर्मों को स्वीकार कर लिया। इसी सिलसिले ने पवित्र स्थानों का चयन करवाया इन समाजों से और हिमालय के तीर्थ बने। विभिन्न धर्म संस्कृतियों के अनेक तीर्थ हिमालय में हैं। सबसे नए सिख धर्म के भी उत्तराखंड में ही 3 सिख स्थल बहुत पवित्रतम माने जाते हैं, जिनमें से एक नानक मत्ता है, एक फूलों की घाटी के बिल्कुल बगल में हेमकुंड साहिब है, और उसके बाद एक तीसरा रीठा साहब पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। इन में से 2 जगहों की यात्रा ये माना जाता है कि गुरु नानक देव ने भी की थी। इन तमाम तीर्थों में कैलाश मानसरोवर जैसा पश्चिमी तिब्बत का तीर्थ भी है, जहां आज भी 21वीं शताब्दी में भी जहां 4 धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ जाते बात करते हैं, भाषा समझ में नहीं आती है तो इशारों में संवाद करते हैं। यह दुनिया का अकेला बहुजन, बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक तीर्थ बन गया है, यानी कि 4 धर्मों के विश्वासी एक साथ वहां कैलाश की और मानसरोवर की परिक्रमा करते हैं। लेकिन वहां अयोध्या का जैसा या जेरूसलम का जैसा बिल्कुल भी दृश्य नहीं है, यानी कि आप मंदिर और मस्जिद के लिए नहीं लड़ रहे हैं या मस्जिद और चर्च के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो कि दृश्य अयोध्या और जेरूसलम में आज के दिन आपको दिखाई देता है। और दोनों तरफ के दोनों इलाकों के जो समाज है वो किस तरीके से विभाजित कर दिए गए हैं, इससे आप सुपरिचित हैं। पूरे हिमालय में सैकड़ों लोक देवताओं का संसार इनसे बिल्कुल अलग है, इन संस्थानिक धर्मों से मैं कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह चोमोलोंगमा, जिसको नेपाल के लोग सागर माथा कहते हैं और जिसका आधुनिक अंग्रेजी नाम एवरेस्ट पर्वत है, तो चोमोलोंगमा और उत्तराखंड की नंदा देवी जैसी देवियां स्थानीय स्वतंत्र और स्वायत्त देवियां हैं। उनका प्रभाव हिमालय के आर पार फैला हुआ है, यानी कि तिब्बत तक भी है। महासू जैसे देवता उत्तराखंड के जौनसार, रवाई और हिमाचल के महासू या शिमला क्षेत्र में साथ साथ प्रभावी और 4 भाइयों के रूप में पूजित हैं। तो लटौल देवता पश्चिमी नेपाल और कुमाऊं में, इसी तरह गोलू देवता काली कुमाऊं से पौड़ी तक फैले हुए हैं। पशु रक्षक, भूर खेती रक्षक या व्यापार रक्षक देवता हैं। कहीं बीच में खोली यानी कि घर के प्रवेश द्वार में गणेश भी आ गए हैं, ऋतु में गणेश मौजूद हैं। यूं अत्यंत सीमित दृष्टि वाले जो हिंदू समूह हैं या संगठन हैं, उनके द्वारा तमाम पहाड़ी तथा जनजातीय इलाकों में गणेश उत्सव को घुसाया जा रहा है, गौ और गंगा प्रेम को संकुचित किया जा रहा है, या संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण द्वारा लोक देवताओं का हिंदूकरण किया जा रहा है, जैसे महासु को महाशिव और नंदा देवी को पार्वती में बदलने का प्रयास। जबकि 4 भाई महासु पश्चारकों के देवता रहे हैं और पुराने अफगानिस्तान तक उनकी कहानी जाती है। आज भी उनके और उनकी माता देवलाड़ी के खूबसूरत मंदिर सक्रिय स्थल बने हुए हैं।
नंदा देवी पर्वत मिथक और सामाजिक यथार्थ का मिला जुला रूप है। यह कदाचित अकेली ऐसी देवी है जो सिर्फ मां बहन बहू का रूप लेना चाहती है और लेती है। वह नियंता है और निरीह भी। उसके नाम से जुड़े शिखर शिव के नाम से जुड़े शिखरों से कम नहीं है उत्तराखंड में। और चोमोलोमा यानी कि एवरेस्ट की देवी अनेक बहनों के रूप में पृथ्वी मात्रा यानी कि धरणी की देवी के नाम से प्रख्यात है और आज भी वह उतनी ही जिसको कहेंगे कि प्रासंगिक उनके अपने समाज में बनी हुई है। ये तमाम लोक देवता तो लोक संस्कृति के एक फाग भर है। यह सहस्राब्दियों की विकास यात्रा के बाद संस्थानिक धर्मों द्वारा अपहृत किए जाने के बाद भी लोक धर्म के रूप में प्रचलन में है। शिकार संग्रह पशुचारण खेती व्यापार ने आर्थिकी और समुदायों के स्थान और क्षेत्र निर्धारित किए हैं। घर और बाहर मौसमी प्रवास चारागाहों को या बड़ा प्रवास देश प्रदेश को यहाँ से होता रहा है। इन जीवन पद्धतियों ने समुदायों के गीत उनकी बोलियां भाषाएं वाद्य यंत्र नृत्य खान पान पहनावा उनकी टोपियां जूते और गहने विकसित किए। इन लोगों में इनके नाना ज्ञान विज्ञान और तकनीकें विकसित हुई जो मिट्टी पत्थर धातु लकड़ी रेशे रंग रसायन जड़ी बूटी जंगल पानी बुग्याल नदी ताल इन तमामों से जुड़े हुए अनुभवों को निखारते और बदलते रहे। ये प्रकृति से उनका जो इंटरेक्शन होता था उसके परिणाम इससे धीरे धीरे निकलते थे। इसी से भवन निर्माण की कला विकसित हुई, मूर्ति कला मुखौटा कला घराट यानी कि वाटर मिल और पुलों को बनाने की तकनीक बर्तन बनाने की तकनीक लकड़ी और धातु के और मिट्टी के। इसी तरह खेती पशुपालन व्यापार तथा कुटीर उद्योगों के उपकरण धातुकर्म वैद्यकीय और गहने या वाद्य यंत्र विकसित हुए पर्वतीय समाज में। भाषा और साहित्य जो मौखिक रहा था सदियों तक सहस्राब्दियों तक वह धीरे धीरे लिपि में और लिखित में आ गए। इससे अभिव्यक्ति की स्वतः स्फूर्त मौलिकता और प्रवाह में भी कुछ ख्यानत हुई होगी, लेकिन लिपि में आने के बाद एक जो सुरक्षा मानव समुदाय महसूस करता है वो उसने शायद महसूस भी की होगी और इस चक्कर में जो खोए हुए की पड़ताल वो ज्यादा हो नहीं पाई। जो ये लोक संस्कृतियां हिमालय की हैं तमाम तमाम उसके भी तमाम तमाम आयाम अभी भी ये जीवंत हैं और अभी भी ये अति प्रयोगशील हैं। यानी कि इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में लोक की इस बहुसृजनशीलता को पिछली तीन सदियों की सामंतशाही औपनिवेशिक शासन और नया प्रजातंत्र भी लील नहीं सका है, न आधुनिकता और बाजारवाद ही। आगे देखा जाना है क्योंकि अब प्रजातंत्र के खोल में कुछ लोग इतने शक्तिशाली होने की कोशिश कर रहे हैं जितने किसी भी मानव व्यवस्था में कोई भी नियंता पहले नहीं हो पाए थे। पर लोक शायद इससे भी लड़ने की या इससे समायोजन करने के रास्ते निकालेगा ऐसा मैं मानता हूं, मेरी गलतफहमी हो सकती है। तमाम पहाड़ी चीजों में विभिन्नता के भीतर एक सी अनुगूंज महसूस होती है, यही पहाड़ी लोक संस्कृति के बारे में कहा जा सकता है। दुनिया के पहाड़ों में विभिन्नताओं के बावजूद एक सी उभयनिष्ठता दिखाई देती है। इसलिए एंडीज आल्प्स राकी या अन्य पर्वतों के जीवनों के बहुत से आयामों में समानता है, पर जहां किसी पहाड़ की कोई विशिष्टता आती है वहां वो अपनी अलग प्रभाव बना लेते हैं। जैसे हिमालय की सर्वोच्चता गहरे गौरज बीहड़ता और दुर्गमता और दुर्गमता जन्य जीवन और अभिव्यक्तियां उसे दुनिया के तमाम पहाड़ों से अलग कर देते हैं। इससे यहाँ की पहाड़ी संस्कृति कुछ अलग हो जाती हुई लगती है। औपनिवेशिक छाप और आधुनिकीकरण ने भी सर्वत्र लोक संस्कृतियों को क्षति पहुंचाई, पर वे बनी रही और उम्मीद है कि वो बनी रहेंगी। यह पूरी दुनिया के स्तर पर देखा जा सकता है और इस पर ज्यादा कुछ कहने में मैं सक्षम नहीं हूँ। दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक समाज जैसे किसी से शासित नहीं होना चाहते हैं। आप लोगों ने जेम्स स्कॉट का अध्ययन जरूरी पढ़ा होगा, मैं उसी की तर्ज में कुछ कह रहा हूँ कि दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक समाज जैसे किसी से शासित नहीं होना चाहते हैं, वैसे ही हिमालय के अनेक समाज किसी से संस्कृतिकृत नहीं होना चाहते। यह समझ एक प्रकार की अल्पसंख्यक ग्रंथि को भी जन्म देती है, दे सकती है, देती रही होगी।
आधुनिकता और बाजार के अनंत दबाव भी इसके साथ जुटे हुए हैं, लेकिन यह अपने को बनाए रखने का हुनर अभी तक कायम रखे हुए है, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए अब संस्कृति से जरा बाहर निकलते हैं, अब पर्यावरण की तरफ आते हैं। जिस भूगोल से ये संस्कृतियां निकली हैं, उसी के घटक हिमालय का पर्यावरण बनाते हैं। जीवन के आधार यानी यहाँ के संसाधन ही पर्यावरण के आधार है और हिमालयी सौंदर्य के भी आधार है। अब ये संसाधन क्या है? मिट्टी, जिसमें चट्टाने, खनिज, धातु, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सबके सब शामिल है। पानी, जिसमें बर्फ और गल और ग्लेशियर और तमाम सोए हुए पुराने और नए ग्लेशियर। जंगल और जीव, जिसमें जैव विविधता है और जिसमें कार्बन को धारण करने की क्षमता है, जो 21वीं-22वीं शताब्दी की शायद सबसे बड़ी जरूरत है। फिर इसके बाद चौथा बड़ा संसाधन है, जिसको लोग काउंट नहीं करते, बहुत सारे मैं कभी कभी जोखिम उठाए हुए हूँ इसको संसाधन और एक बड़ी संपदा हिमालय की मानने का, उसको मैं वन्यता कहता हूँ, वाइल्डनेस, यानी कि प्रकृति के विभिन्न घटकों का एक तरीके से समुच्चय है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य, जिसकी रचना मनुष्य द्वारा संभव नहीं हुई। और पशु जो पालतू हैं और मनुष्य, जिसके तीनों रूप आप देखते हैं हिमालय और अन्यत्र भी, वो नायक भी है प्रकृति का, वो खलनायक भी है और वो नालायक भी है। तीनों मनुष्य की प्रवृत्तियां प्रकृति के साथ उसके रिश्ते या हिमालयी प्रकृति के साथ उसके रिश्ते में प्रकट हो जाती है। अब इन तमाम संसाधन ही यहाँ के पर्यावरण को बना रहे हैं, इसलिए इस पर्यावरण का या इस पारिस्थिति का जो आधार है वो मिट्टी है। यह मातृ संसाधन, मदर रिसोर्स, यह गई, यह मिट्टी गई तो सभ्यता और संस्कृति गई। मिट्टी की हिफाजत का एक बड़ा तर्क दिया जा सकता है हिमालय के संदर्भ में, और हिमालय की तमाम आंदोलन, मेरा कहना है कि अपनी मिट्टी को बचाने के आंदोलन, और यह हिमालय की मिट्टी बचती है तो पूरी गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदान की मिट्टी बचती है, यानी कि वह नियंत्रित तरीके से जाती है। मिट्टी बचेगी तो समाज बचेंगे, ऊपर के भी और नीचे के भी। मिट्टी बचेगी तो पूरा उत्तरी भारत बचेगा, ऐसा हमारा मानना है। कभी लीलाधर जिगुड़ी के शब्दों में अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो ये मिट्टी ही है जो हमें मिट्टी नहीं होने देती है। पानी हिमालय की दूसरी पहचान है, यह ग्लेशियरों में तो पसरा और सोया हुआ है ही, साथ ही हरे ग्लेशियरों यानी जंगलों में भी यह मौजूद रहता है। सिंधु या गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयी नदी व्यवस्थाएं पूरे देश के वाटर बजट का लगभग 63% रचती हैं और पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 43-44% पर ये बहती हैं। यानी कि देश की जो तमाम और नदियां हैं, आप ये सोच सकते हैं कि वो समझिए कि 56% पर ही बहती, और उनका जो वाटर बजट में कंट्रीब्यूशन है वो 37% रह जाता है। तो हिमालय की ये तीन नदी व्यवस्थाओं का, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, इतना बड़ा योगदान एक प्रकार से उत्तरी भारत के भाग्य को बनाने में रहा है। इस तरह हिमालय का देश के वाटर बजट में मानसून को रोकने तथा गंगा के मैदान के जल स्तर यानी कि अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने में जो योगदान है वह सर्वथा महत्वपूर्ण पारिस्थितिक योगदान कहा जा सकता है। वो किसी और व्यवस्था के द्वारा उसको किया जाना बहुत मुश्किल है, चाहे ये नदियों को जोड़े, चाहे ये बांधों को बनाए। जंगलों के साथ जुड़ा जैव विविधता का संसार है। हिमालय पृथ्वी का तकरीबन 0.3% भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि आधे प्रतिशत से भी कम पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका मात्र 0.3% है हिमालय का क्षेत्रफल। लेकिन हिमालय जो है धरती की 10% जैव विविधता यहाँ निहित है। ये बहुत बड़ा एक तरीके से एक जिसको विशेषता हिमालय की कही जाए। जैव विविधता के सबसे अहम क्षेत्र हिमालय में है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और यूनेस्को द्वारा चिन्हित इलाके यानी कि जिसको कल्चरली सेक्रेट इलाका या नेचुरल हेरिटेज जिनको कहा गया है, वो इलाके भी हिमालय में बहुत बड़ी संख्या में हैं। ये जो संसाधन मैंने जिन गिनाए अभी, ये सब संसाधन मिला करके एक तरीके से वन्यता की रचना करते हैं। इसमें कभी कभी मनुष्य को मैं हटा भी देता हूँ, यानी कि वाइल्डनेस की रचना करते हैं। इसको मनुष्य नहीं रच सकता है, नहीं उसकी व्यवस्थाएं, नहीं वर्ल्ड बैंक और नहीं हमारा जो
प्लानिंग कमीशन की जगह पर जो नया आया है वो भी इसमें एक एक छोटा सा अंश पर भी योगदान नहीं दे सकता। और वाइल्डनेस को राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री भी नहीं रचते हैं और नहीं हमारे जैसे आदमी से लोग। तो प्रकृति के कितने ही घटक मिलकर दरअसल प्राकृतिक सौंदर्य का निर्माण करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हिमालय की बपौती है, ये डिजर्ट का भी होता है, ये समंदर के किनारों का होता है, ये प्लेट्यू का होता है, ये दयारा लैंड का होता है। प्रकृति के हर इलाके का अपना एक सौंदर्य होता है और यह मनुष्य के जीवन को अर्थ और सौंदर्यपूर्ण बनाने में भी योगदान देता है, ऐसा मेरा कहना है। और ये 21वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ी विरासत है, 21वीं शताब्दी का बहुत बड़ा चाक्षुष, जिसको कहेंगे कि रिसोर्स, में इसको कभी कभी कहता हूं। यह भी याद रखना जरूरी है कि अपनी प्रयोगशीलता के बावजूद मनुष्य पिंजरा तो बना सका है पर घोंसला नहीं बना पाया, नहर तो बना सका है पर नदी नहीं बना सका। अब प्रकृति नदियों को बनाती ही नहीं, मिटा भी सकती। भारतीय उपमहाद्वीप की सरस्वती नदी, जिसके पीछे कुछ लोग बहुत गहराई से पीछे पड़े जिसके हैं, वो इसका उदाहरण है कि कैसे एक नदी को ही बहने से रोक दिया प्रकृति ने, अपने को बदल करके, उठ करके, और अपनी जो शाखा नदियां हैं उनको दाएं और बाएं शिफ्ट करके। मनुष्य परमाणु विस्फोट तो कर सका है या नागासाकी का जैसा कृत्य कर सका है और अनेकों अन्य विध्वंस भी कर सका है, पर 8 रेक्टर स्केल का भूकंप या सुनामी की रचना अभी नहीं कर सका है। हो सकता है कुछ व्यवस्थाएं लगी हों इसमें, कुछ और चीजें हैं जो इसके इर्द गिर्द है, जैसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जैसे उपभोग, जैसे कॉरपोरेट की लूट, जैसे विकास कोट अनकोट, जैसे तमाम राजनीतिक व्यवस्थाओं का संसाधनों के इस्तेमाल संबंधी नजरिया, जैसे GDP, जिस पर मैं आगे को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे GNS, जिस पर मैं कहना चाहूंगा, एक भूटान जैसे छोटे से देश, 1 मिलियन की जिसकी, 10 लाख भी जिसकी जनसंख्या नहीं हुई है, उसने एक अनोखा एक विचार दिया है GNS का, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ऐसा आइडिया हमारे हिमाचल के लाल कभी दे नहीं सकते। और GNS का मतलब क्या है? सकल राष्ट्रीय खुशी। ऐसा आइडिया कोई राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था दे, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक भूटान जैसे बुद्धिस्ट कंट्री ने ये विचार दिया है। जब मैं वहां गया था 2-3 बार और वहां के लोगों से, जो बहुत जानकार लोग हैं, उनसे जब संवाद हुआ तो उन्होंने हमें समझाया कि GNS क्या है। GNS का ये है कि किसी देश के नागरिकों की खुशी जो है वो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य हो सकता है, और उस खुशी को परखने के पैमाने उन्होंने बनाए हैं कि किसी बच्चे ने चिड़िया की चहचहाट देखी है कि नहीं, झरना से सामना हुआ है नहीं, किसी फूल को उसने छुआ है कि नहीं, उसने वन्य जीव देखे हैं कि नहीं, कितनी तितलियों से उसकी दोस्ती है, उसने सूर्यास्त और सूर्योदय देखे हैं कि नहीं, उसने टाकिन्स के साथ जो उनका राष्ट्रीय जीव है उससे बात की है कि नहीं। तो GNS का एक अनोखा आइडिया, सकल राष्ट्रीय खुशी का एक अनोखा आइडिया जो है भूटान ने दिया है, उस पर कभी कभी चर्चा करने का मन होता है। फिलहाल ये सब चीजें भी इसके इर्द गिर्द हैं। इस पर्यावरण के साथ 2 और उपजें भी जुड़ी हुई हैं जिनको मैं कहना चाहता हूं। उनमें से एक है सहनशीलता हिमालय की और अन्यत्र की, जो भय से, दुष्प्रचार से, धन से, लालच से और मीडिया आतंक से जनित है। ये सहनशीलता हमारे इन समाजों में धीरे धीरे उपज रही। और दूसरा प्रतिरोध, यानी कि एक बेहतर समाज, एक बेहतर जनतांत्रिक बदलाव का जो अकेला रास्ता है, वह प्रतिरोध भी हम देखते हैं कि हिमालय के समाजों में, और जहां पर्यावरण के तमाम आंदोलन हुए, पारिस्थितिकी के तमाम आंदोलन हुए, उन समाजों में हम लगातार होता हुआ देखते। अब पर्यावरण क्या है? ये जो संसाधन बताए इनके इर्द गिर्द तो है ही, लेकिन पर्यावरण जल में भी है, थल में भी है और नभ में भी एक तरीके से शामिल है। हमारे द्वारा जो उत्सर्जित गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सहित तमाम गैसें, और जो अपशिष्ट हैं, पॉलिथीन, रासायनिक, मेडिकल, ऑटोमोबाइल, IT कूड़ा, इन्होंने हमारे खेत, नदी, समंदर, गल, गांव, शहर सबको आंशिक रूप से जहरीला कर दिया है और जल्दी ही और ज्यादा जहरीला ये कर देने वाले हैं। इनको इन तीनों लोगों ने ही अब तक धारण किया है, यानी कि इन उत्सर्जित गैसों को और इन अपशिष्टों को हमारे जल ने, हमारे थल ने और हमारे नभ ने अभी तक कृपा करके समाया है। पता नहीं कब तक समा पाएगा, कह नहीं सकते। अंटार्कटिका बढ़ता रहेगा, ऐसा सभी मानते हैं और मैं भी मानता हूं। पहले जो होमो सेपियनों ने क्या किया था कि सिर्फ धार्मिक
राजनीतिक और आर्थिक मुखिया उसके होते थे या नेता होते थे जो पृथ्वी को कुरूप बनाने में जुटे रहते थे। अब क्या हो गया है कि शक्तिशाली जो वैश्विक कारपोरेट हैं उसके साथ एक बड़ा मध्यम वर्ग इस हेतु कमर कस रहा है। वर्ल्ड वाइड है ये मध्यम वर्ग, भारत में भी बहुत बड़ा है। इस मध्यम वर्ग के लिए हिमालय या पहाड़ों जैसे सुंदर स्थान कुरूप बनाने के लिए उपलब्ध है, क्योंकि पहाड़ों के निवासियों की संसाधनों से अर्जित जो आए हैं औपनिवेशिक काल से ही वो नियंत्रित कर ली गई। थोड़ी सी जमीन, जरा सा पंचायती जंगल और चरागाह उसके पास है, पर जंगल, नदी, पानी, खनिज आदि साधन राज्य और कॉरपोरेटों के हाथ में जा रहे हैं। जो बचे हुए हैं वो धीरे धीरे उनको ले जाने की कोशिशें हो रही है। किसी आंदोलन द्वारा इनका जिक्र करने पर ये दोनों यानी कि राज्य और कॉरपोरेट गुर्राने लगते हैं बड़े जोर जोर से, मीडिया में भी गुर्राते हैं, टेलीविजन में गुर्राते हुए भी। ये अपने पक्ष में विधायिका का वेजा इस्तेमाल करते रहे हैं। हमारे लिए भारत देश के उदाहरण काफी होंगे और आप जैसे मित्रों को इस मामले में अनेक और उदाहरण देश के और तीसरी दुनिया के पता होंगे। विकास की जिस तरह की अवधारणा परोसी गई है हमारे इन समाजों में, वह प्रकृति भक्षी ही नहीं, वो मानव भक्षी भी है। सामान्य मनुष्य टक टक नजरें गड़ाए रखता है कुछ सामान्य मामूली चीजों के लिए, एक अच्छा स्कूल, एक सर्व संपन्न अस्पताल, एक सुरक्षित जन परिवहन, एक अबाधित संचार, थोड़ा बहुत मध्यम तकनीक की उस तक पहुंच, कुछ रोजगार और स्थानीय उद्यमता का विकास आज का उसका सपना होता है। पर उसे बड़े बांध, हवाई अड्डा, चार धाम, बारहमासी सड़कें, तमाम संपदाओं की लूट, तीर्थ यात्रा के लिए सरकार का अतिरिक्त अनुग्रह राशि, सामुदायिक तथा जाति वैमनस्य, प्रशासन सुरक्षा और नशा और पता नहीं क्या क्या परोस दिया जाता है, जिनकी वो याचना भी नहीं करता है, जिनकी उसको जरूरत भी नहीं। झूठ को इतना दोहराया जाता है और मीडिया की बड़ी सीमा तक बिक जाने और प्रतिपक्ष को नियंत्रित करने या खरीदे जाने ने पहाड़ों पर भी अपना असर डाला है। पहले पहाड़ों के बिहाप में देश के बहुत सारे प्रतिभा संपन्न लोग, संवेदनशील लोग, रचनात्मक लोग बोलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यह बोलना कम होने लगा है। यह पूरे हिमालयी भारतीय हिमालय में देखा जा सकता है और भारतीय हिमालय से बाहर भी, नेपाल में भी और अन्यत्र उत्तराखंड में ये कुछ ज्यादा है। दरअसल इन्हीं विकास कार्यों के अनियोजित और निर्मम कार्यान्वयन ने हिमालय को बड़ी सीमा तक अस्थिर कर दिया है। यह संविधान, पर्यावरण नियमों, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णयों या निर्देशों के बावजूद हुआ है, उनके निर्णयों के प्रतिपक्ष में हुआ है, ये कहना ज्यादा उचित होगा। अनेक मामलों में जन आंदोलन के दबावों के बावजूद भी ये हुआ है, और सबसे प्रथम यह हिमालय के बहुत नाजुक पारिस्थितिक मिजाज के खिलाफ किया गया है। इन विकास कार्यों ने खेती को, बागवानी, सिंचाई तथा पेयजल व्यवस्था को क्षतिग्रस्त और अपंग किया है। खुद सड़क परिवहन अति बाधित है। अभी सुन रहे होंगे आप, चारधाम सड़कों से बड़ी मुश्किल से जो वाहन है वो ऊपर को जा पा रहे हैं। जमीन और जंगलों तथा नदियों पर इतना विध्वंसक प्रहार पहले इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। यह याद दिलाना उचित होगा कि हिमालय में मात्र 5% जमीन खेती के अंतर्गत है, पूरे हिमालय में। कुछ जमीन गांव संजायत या वन पंचायतों के अंतर्गत है, शेष जंगल, नदी, पहाड़ राज्य के अधिकार में है। जो ब्रिटिश सत्ता ने औपनिवेशिक काल में शुरू किया था उसको वैसा का वैसा हमारी प्रजातांत्रिक सरकार ने स्वीकार कर लिया। वन अधिनियम 1980 है, जिसमें साफ कहा गया है कि किसी वन क्षेत्र का गैर वन कार्यों हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह जमीन संबंधी अधिनियम है, कानून है, पर्यावरण संबंधी अनेक बेहतरीन कानून है, उन सबकी अवहेलना हमारे यहाँ होती रही है और हाल के वर्षों में वो ज्यादा ही हुई। आपको याद होगा कि कोविड आपदा का उपयोग भारतीय राज्य ने श्रम कानून को बदलने में कैसे किया, पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA को कमजोर करने में कैसे किया, शिक्षा व्यवस्था तथा अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप करने तक में इस तरीके से खुलेआम किया, ये मेरे ख्याल में किसी की आंखों से छिपा नहीं है। कुछ लोग अभी भी अंधे बने रहे तो क्या किया जाए। जनतांत्रिक जन आंदोलनों, पर्यावरण आंदोलनों का दमन और नागरिक अधिकारों के योद्धाओं तथा सिविल नाफरमानी करने वालों को किसी न किसी मामले में फंसाकर जेल भेजने का काम होता रहा है। संसद तथा विधानसभाओं में पर्यावरण की चिंता प्रकट करना भी हाल के दशकों में मुश्किल होता गया है। अभी तो यह स्थिति है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी वालों के उठाए जाने पर उनके लिए बोलने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। पहाड़ों या हिमालय के पर्यावरण पर कौन बोलेगा?
राजधानी के ही किनारे पर इतने लंबे समय से हमारे किसान अपने प्रतिरोध को खड़ा किए हुए हैं, जब उसी का सम्मान हमारी व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो हिमालय के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों की बात सुनने की अपेक्षा उनसे कैसे की जाए। जो निस्वार्थ हैं वे विधानसभाओं में भी कम नहीं है, देश की संसद में भी कम नहीं है। हमारी अपनी देश की संसद में पर्यावरण के सबसे बड़े प्रतिपक्षी खुद हमारे पर्यावरण मंत्री रहे, अब चाहे बदल दिए गए हों पर नए मंत्री भी पुराने रास्ते पर चलने को ही अभिशप्त रहेंगे, क्योंकि जो विचार जो दृष्टि है वो तो वही है जो पिछले वाले पर्यावरण मंत्री की रही होगी। पहले औपनिवेशिक राज्य ने फिर नव औपनिवेशिक निजीकरण और कारपोरेटीकरण की प्रक्रिया ने संसाधनों की खरीद फरोख्त कर इसे प्राइवेट हाथों में देने का सिलसिला चलाया। इस तरह पहाड़ों की एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। जो जीवन संसाधन थे उनको माल बना दिया और आज वो पूरी तरह से कमोडिटी हो गए। ग्लोबलाइजेशन के अभी तक के परिणामों का अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने जो अध्ययन या विश्लेषण किया है उसने बताया है कि न तो समाजों में आर्थिक समानता आई है और न ही देशों में ये मिली है, बल्कि जो गैप है गरीब और अमीर के बीच का वो जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है, बल्कि बहुत कम लोगों के हाथ में बहुत बड़ी संपदा चली गई है, संपन्नता चली गई है। यानी पिछले 100 साल में और खास तौर से ग्लोबलाइजेशन के बाद के सालों में समता किसी भी समाज में और दुनिया के किसी भी इलाके में नहीं लाई जा सकती। ग्लोबलाइजेशन हमारे जैसे समाजों के लिए जबरदस्त चुनौती है, वो हमारी विविधता को नष्ट कर रहा है, मोनोकल्चर उसकी सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। पर ग्लोबलाइजेशन पूंजीवाद का इतना आकर्षक रूप मुझे लगता है कि हमारे बेडरूम तक घुसा हुआ है, तकनीक का सबसे बड़ा इस्तेमाल उसके लिए किया गया है। इसी के एक और चेहरे उपभोक्तावाद ने हमें अलग तरीके से हीन और बाजार पर निर्भर बना दिया है। लेकिन मैं इन विषयों का विशेषज्ञ नहीं हूं, इनको मैं प्रकारांतर में इसलिए कह रहा हूं कि हिमालय भी इन तमाम नई बाजार और व्यवस्था जनित आपदाओं से ग्रस्त है। लेकिन इन आपदाओं को छोड़ करके अब मैं अपने व्याख्यान के अंतिम हिस्से में आता हूं। अब मैं वास्तविक आपदाओं पर, चाहे वो प्राकृतिक हों चाहे मनुष्य द्वारा बनाए गए हों, उनकी तरफ आता हूं, जिसमें सीधा सीधा प्रकृति जिसमें जुड़ी हुई। जो प्राकृतिक आपदाएं हमारी पूरी पृथ्वी में हैं, अभी मैं अंतरिक्ष मैं उनकी बात करने की स्थिति में नहीं हूं, जो प्राकृतिक आपदाएं हमारी पृथ्वी या हिमालय में हैं, वह पृथ्वी और हिमालय जितनी ही पुरानी है, यानी कि जब पृथ्वी बनी है और जब से हिमालय बना है तकरीबन 6 करोड़ साल पहले से उसके बनने की रचना प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये आपदाएं उसका हिस्सा है। दरअसल ये आपदाएं उसके बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हिमालय की रचना, पृथ्वी का जीवन धारण करने लायक बनना, महाद्वीपों का इधर उधर सरकना, जिसको ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट कहा जाता है, अपसरण, भी प्रकारांतर में आपदाएं ध्वंस से जुड़ा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यह सब करोड़ों सालों में हुआ और मनुष्य की अनुपस्थित में हुआ, होमो सेपियंस की अनुपस्थित में हुआ। यह मूलतः भूगर्भिक हलचलों का इतिहास एक प्रकार से है। मनुष्य सबसे अधिक चतुर जीव प्रजाति के रूप में विकसित हुआ, उसने पृथ्वी की हलचलों से सीखा, फिर भी उसे अप्रत्याशित आपदाओं को झेलना पड़ा इतने लंबे इतिहास। इसी से उसे पृथ्वी तथा उसके तमाम घटकों का बदलता हुआ मिजाज समझ में आया। मनुष्य के पारंपरिक ज्ञान की भी दरअसल यहीं से शुरुआत मानी जानी चाहिए, और यहीं से मनुष्य ने क्षिति जल पावक गगन और समीर के साथ जलवायु और ऋतुओं को समझना शुरू किया। और ये लंबी प्रक्रिया में ये इंडिजिनस नॉलेज एक तरीके से बनी हमारे पृथ्वी के समाजों में। आपदा ने अनेक बार मनुष्य की बसासत के योग्य स्थान भी बनाए, जैसे एक नदी फ्लड बाढ़ लेके आई और एक किनारे पर उसने एक बहुत बड़ी बेंच बना दी, जिसमें अगली सदियों में कोई बसासत बसना शुरू हो गई। प्रकृति कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी, कभी भूस्खलन, कभी बाढ़, कभी तूफान या दावानल, या कभी मौसम के किसी अन्य विकराल रूप के रूप में मनुष्य को डराती रही। इसलिए प्रकृति पूजा सबसे पुरानी पूजाओं में गिनी जाती है। हिमालय भी जब हिलता है तो पूरे उत्तरी भारत और तिब्बत तक को हिला देता है। दिल्ली के बहुत बहुमंजिला इमारतें भी हिलने लगती हैं। कुछ आपदाएं भूगोल विशेष या मौसम विशेष से भी संबंध रखती हैं, जैसे सुनामी, जैसे अल नीनो आदि आदि, इस तरह की आपदाओं में उसको गिना जा सकता है। और बहुत सारे नए टर्म भी आजकल हमारे पर्यावरणविद और मौसमविद हमारे सामने लाए हैं।
हिमालय में जो मुख्य आपदाएं हैं अगर उनको उस तरीके से गिने हैं जिनसे आप अखबारों के माध्यम से सुपरिचित होते रहते हैं, जैसे कि भूकंप उनमें एक है, हिमस्खलन है, फिर उसके बाद भूस्खलन है, फिर मिट्टी कटाव भी एक बहुत बड़ी हिमालय की आपदा है, फिर सामान्य तथा बर्फीले तालों का फट जाना बहुत बड़ी घटना है, फिर बाढ़ है, फिर दावानल जंगलों की आग है। इनके साथ साथ जो दक्षिण पूर्व तथा मध्य पश्चिमी एशिया के मौसमों के बदलाव जो हैं वो भी तरह तरह के आपदाओं को जन्म देते रहे हैं। अनेक आपदाएं अंतर संबंधित भी हैं और ये सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हिमालय के भूगर्भ विवर्तनिकी यानी कि टेक्टोनिक्स, भूगोल और बदलती जलवायु से जुड़ी। अन्य अनेक अज्ञात कारण भी हो सकते हैं, जैसे सौरमंडल का अंतर संबंध या गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी के अपने करीबी ग्रहों से गुरुत्व संबंध आदि। भूकंप दरअसल हिमालय को अपने को व्यवस्थित करने की कोशिश है, अगर आप मूलतः देखें तो हमारे लिए वो आपदा हो जाती है, लेकिन यह पृथ्वी या हिमालय का अपने शून्यों को, अपने भीतर के बहुत सारी खाली जगहों को भरने का एक तरीके से प्रयास माना जाता है। सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य समाजों का आपदाओं को त्वरित या विनाशकारी बनाने में योगदान रहा है। पहले यह अनजाने रहा हो सकता है, पर आज यह जानबूझकर हो रहा है। खेती का विस्तार, जंगलों का कटान, खनन, नदियों, समंदरों और अंतरिक्ष पर नियंत्रण आदि कार्य जितनी मनुष्य की विकास यात्रा से जुड़े हैं, उतनी ही स्वाभाविकता से ये प्रकृति में मनुष्य के हस्तक्षेप है। आपदाओं को त्वरित करने में ये हस्तक्षेप एक प्रभावशाली कारक रहे। हमारे अपने समय में किसी आपदा को शुद्ध प्राकृतिक कहना कठिन होता जा रहा है। इसमें सिर्फ भूकंप ही अपवाद माना जा सकता है, उसमें भी ध्वंस का कम या ज्यादा प्रभाव मनुष्य की बसासतों हेतु स्थान चयन करने की समझदारी जो है और जो मकान बनाने की बुद्धिमता और विधि है उस पर निर्भर। आपदा प्रभाव की न्यूनीकरण का जो विचार है वो शायद इसी से विकसित हुआ हो। यह कहा जा चुका है, मैं बोल चुका हूं कि हिमालय का भूगोल और भूगर्भ बहुत अलग है और बहुत नाजुक है। अभी वो बनने की प्रक्रिया में है, अतः वो कमजोर है, अच्छा लगता है, विशिष्ट जरूर लगता है। हिमालय में जो भ्रंश हैं, जो दरारें हैं, वे आर पार जाती हैं। वो देश या प्रांत का लिहाज नहीं करती, न वहां की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का लिहाज करती है। भूगर्भ का मिजाज जानने पर पता चलता है कि उसका घनिष्ठ रिश्ता भूकंप से है, हिमस्खलन से है, इनसे जनित आपदाओं से है, और ग्लेशियर झीलों के फटने टूटने से भी है, और अंततः बाढ़ से भी। इसके भूगर्भ ने इसके भूगोल को निर्धारित किया है, इसके भूगोल ने वनस्पतियों के मिजाज को निर्धारित किया है, उसकी स्थलाकृति को, टोपोग्राफी को निर्धारित किया है, और यह मिजाज भूगर्भिक दृष्टि से पूरे हिमालय के आर पार बड़ी सीमा तक बिल्कुल एक जैसा है। हालांकि भौगोलिक रूप से दो छोरों तक जाते जाते बदल भी जाता है। जीव प्रजातियों, जीव वनस्पतियों और मानव समाजों की विविधता जरूर अपनी जगह पर है, और भूगर्भ भूगोल ने नेपाल, भूटान, म्यांमार और हिंदुस्तान को बांट कर नहीं देखा है। देशों और प्रांतों का बंटवारा तो हमने किया है। जो भूकंप है, जो हिम और भूस्खलन है, जो गल झीलों का यानी कि ग्लेशियर लेक्स का टूटना है, बर्स्ट होना है, जो हिम तूफान है, जो सूखा है, जो दावानल है, जंगल की आग है, ये आपदाएं लाखों साल से यहां हो रही। मनुष्य ने इनके साथ अपनी जीवन पद्धति का सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश की। जलवायु परिवर्तन भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही, ऐतिहासिक रूप से भी, पर परिवर्तन की गति, जलवायु परिवर्तन में जो परिवर्तन की गति है वह हाल के दशकों में बहुत बढ़ती चली गई। पिछली दो सदियों से इसमें बढ़त और शुरू हो गई औद्योगिक क्रांति के बाद। जलवायु परिवर्तन स्वयं इन तमाम आपदाओं का परिणाम है और नई आपदाओं का कारण भी। IPCC की जो एकदम ताजा रिपोर्ट आई है, मेरे ख्याल में 6th रिपोर्ट आई है पिछले 10-15 दिन पहले, वह बड़ी स्पष्ट तो है ही, बड़ी डरावनी भी है। इतनी डरावनी पिछली रिपोर्ट्स नहीं थी। इन तमाम आपदाओं पर राज व्यवस्थाएं सोचती हैं कि वे इन्हें नियंत्रित कर लेंगी, पर आप जानते हैं कि एक सुनामी, एक भूकंप, तूफान या जंगल की आग या बाढ़ दुनिया की शक्तिशाली राष्ट्रों को तमीज सिखाने का काम, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा, अमेरिका में आपने देखा कि कैलिफोर्निया वाले आग बुझा रहे हैं, बुझ नहीं। आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका जैसा देश अपनी ही आग नहीं बुझा पा रहा। हमारे यहाँ तक किसी चीज पर हम न बाढ़ में कुछ कर पाते हैं, न किसी और आपदा में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तमीज सिखाने की कोशिश प्रकृति करती है, उसके बावजूद भी ये व्यवस्थाएं सीखती नहीं। अब वे धरती के संसाधनों को लूटकर अन्य ग्रहों में जाने का सपना देखने लग गए हैं, इसलिए अनेक बार वो पृथ्वी में कोई नियंत्रण करने और कोई
सुरक्षा करने में आनाकानी भी करने लगते हैं। हिमालय के बड़े और विनाशकारी भूकंपों में बहुत सारे हैं, जैसे पश्चिमी तिब्बत, उत्तराखंड और नेपाल में 1505 में एक भूकंप आया था 8.2 रेक्टर स्केल का। हालांकि तब रेक्टर स्केल बना नहीं था, लेकिन अब साइंटिस्ट उसका अनुमान लगा। श्रीनगर कश्मीर में सितंबर 1555 का भूकंप, भूटान अरुणाचल के बॉर्डर में मेरे ख्याल में 1713 का, ऐसी सतलज के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में 1751 का, गढ़वाल में 1803 का बहुत ही बड़ा भूकंप लगभग 8 रेक्टर स्केल का माना जाता है। ऐसे ही भूटान तिब्बत सीमा पर 1806 में आया। फिर इसके बाद 1897 में असम में बहुत जबरदस्त भूकंप आया 8.8 रेक्टर स्केल का। 1905 में कांगड़ा में आया, 1918 में जुलाई में असम में आया, ऐसे ही 1934 में बिहार और नेपाल के बॉर्डर में आया। 5 अगस्त 1950 को असम अरुणाचल में फिर आया, जिसने 1897 के भूकंप में रुके हुए मलबे को और जंगल जो ढक दिए थे उनको दोबारा साफ कर दिया, दोबारा उस मलबे को हटा ले गया। देखने लायक है, उसकी रिपोर्ट भी डरावनी है और अनेक बार विश्वास नहीं होता है। ऐसी 1980 का बाजांग का, या 1991 के 20 अक्टूबर का हमारा उत्तरकाशी टिहरी का भूकंप, या फिर 1999 का चमोली भूकंप, 2006 का कश्मीर का भूकंप, 2011 का सिक्किम का भूसंग, ये तमाम भूकंपों के सिलसिले गिने जा सकते हैं। इन पर किसी पर बड़ी विस्तृत एनालिटिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध है। उत्तराखंड के संदर्भ में 1505, 1751, 1803, 1817, ऐसे ही 1905, 1980, 1991, 1999 के जो भूकंप हैं बहुत मारक रहे हैं, बहुत ख्यानत उन्होंने संपदा की और मनुष्यों की। अब जो दूसरा भूस्खलन आते हैं वो चट्टानों पर पड़ने वाले जो मौसम का असर है तथा रासायनिक क्रिया के कारण जो भूस्खलन होते हैं, और अनेक बार जंगलों से भरे हुए इलाके भी भूगर्भिक कारणों से भूस्खलन ग्रस्त हो जाते हैं। कई बार नदियों के द्वारा पहाड़ को काटे जाने से भूस्खलन का जन्म होता है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सड़कों का विस्तार हुआ और सड़कों के अवैज्ञानिक कटान ने कई भूस्खलनों को जन्म दिया। क्लाउड बर्स्ट जिसको कहते हैं, गढ़वाली में हम पणगोला बोलते हैं, अतिवृष्टि जो इधर के सालों में ज्यादा ही बढ़ती हुई दिखती है, ने पहले भूस्खलन और फिर बाढ़ों का रिश्ता है। फिर बहुत सी बाढ़ें हैं जिनको मैं अगर गिनना शुरू करूंगा, नंदाकिनी का, नैनीताल का 1880 का भूस्खलन जिसमें करीबन 155 लोग मारे गए थे, गौना लेक का 1893 का भूस्खलन, जगथाना तवाघाट 77-79 का, कौंथा का 79, कर्मी का 83 का, वरुणावत का, ऐसे ही हिमालय के और भी बहुत सारे हैं हिमाचल से लेके सिक्किम तक के। वो इधर के 200 सालों की तो बहुत अच्छी लिस्टिंग अंग्रेजों के जमाने से लेके आज तक की हुई है, इन भूस्खलनों को देखा जा सकता है। चंडी प्रसाद भट्ट जी ने एक पुराने भूस्खलन को ढूंढा है कि संबत 1797 यानी कि 1643 सन में गंगोत्री के मार्ग में सुखी से जंगला तक का जो बाला अवाड़ा का जो पहाड़ है उसके टूटने से झाला में लेक बनी। आज भी गंगोत्री जाते हुए आप उस जगह को देख सकते हो, मीलों तक नदी जो है अभी भी जो है दोनों तरफ उसमें मलबा पड़ा हुआ है। लगभग 14 किलोमीटर लंबी झील इस भूस्खलन ने बना दी और इस भूस्खलन के क्षेत्र में लगभग 150-200 मंदिर उस समय समा गए थे और 3 पूरे के पूरे गांव पूरी तरह उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। एक मंदिर तो हाल में मोटर सड़क बनाते समय वहां मिला भी। इसी तरीके से गुड़ियार ताल 1868 में, नैनीताल 1880 में, गौना ताल 1893 और 1970 में भूस्खलन से बने और बाद में फिर टूटे और फिर उन्होंने कहर ढाया। और बहुत सारे जैसे 1930 में बद्रीनाथ से पीछे आरवा जो ताल था बहुत बड़ा वो टूट के आया। रैनी के बगल में 1967-68 में जो ताल बना वो 1970 की अलकनंदा बाढ़ के समय टूटा। और फिर 70-77-78 2010, 2012, 2013 में तो महाप्रलय हुआ ही उत्तराखंड में और अन्यत्र पूर्वी आपके हिमाचल में और पश्चिमी नेपाल में भी शामिल है। वह सिर्फ केदारनाथ की ट्रेजेडी नहीं थी, मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसी तरह जो बाढ़ें हैं बहुत सारी 1889 से लेके 2010, 2013 तक की, और इसी तरीके से जंगल की आगे जो सन 1920-21 की, 1931 की, 1968, 1996, 2006, 2008, 2016, 2021 के जो दावानल है जंगल की आगे, वह पूरी तरीके से सामाजिक स्मृति में है। और हर जंगल की आग में दर्जनों लोग अपने जंगलों की आग को बुझाते हुए मारे गए, जिसकी जिससे कोई संवेदना हमारे
व्यवस्था में उपजी नहीं और उसका कोई सामाजिक इस्तेमाल जंगलों को और सुरक्षित करने के लिए, जंगलों की आग को बुझाने में, लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने में उसको इस्तेमाल हमारी व्यवस्था नहीं कर सके। 2010, 2012, 2013, 2014, 2021 ये तो हमारे सामने सामने में है, और जो रेणी में अभी इधर आपके 2021 के फरवरी 7 के दिन हुआ, वह आपके आंखों के सामने है कि किस तरीके का कहर उसने ढाया, कैसे उसने दो बड़े हाइड्रल प्रोजेक्ट को रोकती हुई वो आगे आ गई, और 30 फीट से ऊपर जो झूला पुल था विष्णुप्रयाग जोशीमठ पर, उसको कैसे उड़ा लेगी, बहा लेगी आदि। इन बहुत सारी बाढ़ों का, भूस्खलनों का, हिमस्खलनों का और ग्लेशियल लेक बर्स के चर्चा को समेटते हुए अंत की तरफ आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अलकनंदा में जो 1894 की बाढ़ आई, जो 1970 की बाढ़ आई, जो 2013 की बाढ़ आई, इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है आज। जैसा हमारे सुप्रसिद्ध भूविज्ञानी नवीन जुयाल ने कहा है कि उससे दोहराना ठीक रहेगा, वो क्या कहा है उसने कि जहां 1894 की बाढ़ पूरी तरह प्रकृति प्रदत्त थी, वहीं 1970 की बाढ़ में जंगलों का कटान तथा अवैज्ञानिक सड़क निर्माण निर्णायक कारक बने। 2013 की महाआपदा में सड़कों के अवैज्ञानिक और अधिकटान, नदियों में खनन और निर्माण कार्यों के साथ जो घुसपैठ हुई, उसके अतिरिक्त जल विद्युत परियोजनाओं ने विनाश में सर्वाधिक विध्वंसक की भूमिका निभाई। तो ये एक बहुत बड़ा एनालिसिस हमारे भूगर्भ नवीन जुयाल ने जो कहा है उसको मैं दोहरा रहा हूँ। अब आपदाओं में मनुष्य द्वारा की गई अति का दुष्परिणाम जुड़ गया है, जिससे वे बहुगुणित हो गई है। सामाजिक और आर्थिक जीवन प्राकृतिक संपदाओं की कीमत पर संपन्न होना चाहता है, जिसमें एक सीमा से आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। जलवायु परिवर्तन अनेक आपदाओं का समुच्चय है, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, और आगामी अनेक आपदाओं या संकटों को जन्म देने वाला भी। इस कारण न हम टिकाऊ अर्थव्यवस्था बना पाएंगे। सबसे अंत में जो ग्राफ देख रहे हैं उसमें सबसे कठिन जो क्लाइमेटिक चेंज की स्थिति है वो ये काली रेखा जो नीचे को जा रही है, ये हिमालय की है। इस कारण न हम टिकाऊ अर्थव्यवस्था बना पाएंगे न समाज। आपदाएं अब अनेक सालों में नहीं सालाना होने लगी, हर मौसम में आपदा होने लगी। कारपोरेटों को बिक रही राज्य व्यवस्था के निकम्मेपन के दौर में समाज इनसे लड़ने की बरकत से अभी मुझे लैस लगता है, पर सामाजिक शक्तियों पर विश्वास अभी बना हुआ है। और यहीं पर मैं चुप हो जाता हूं ताकि आप लोग बोल सकें। धन्यवाद। अभी तक मैं श्री शेखर भाई उन्हें बोलने का मौका आज मुझे मिला है, और मैं यही कह सकता हूं कि उनका व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत रोचक और बहुत विचारोत्तेजक था। तारीफ में और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, क्योंकि प्रतिमान व्याख्यान माला में प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी जैसे विद्वान, अरिंदम चक्रवर्ती जैसे दार्शनिक, मृणाल पांडे, मेहर अफशां फारूकी और डॉक्टर अमिताभ राजन जैसे लोग बोल चुके हैं, लेकिन ये व्याख्यान एक बिल्कुल अलग श्रेणी में आता है। और जितने धारा प्रवाह रूप से बिना अटके हुए बहुत मुद्दतें हो गई इस तरह का कोई व्याख्यान सुने हुए, इस तरह की भाषा में इतने ज़्यादा तथ्यों से भरा हुआ, इतनी जानकारियों से भरा हुआ और इतने ज़्यादा सवाल उठाता हुआ। कुछ सवाल मेरे दिमाग में भी हैं और कुछ सवाल अन्य साथियों के दिमाग में भी होंगे, तो वो अपनी जिज्ञासाएं रखें, तो फिर शेखर जी के साथ में एक संवाद करने में भी अलग अलग किस्म का मजा आएगा। शेखर भाई बोलिएगा। आपने बीच में कहा कि जो समाज है उस लड़ाई के बारे में थोड़ा और विस्तार में बताते तो अच्छा रहता, कि जो आपदाएं आई हैं और जो व्यवस्था कर रही है वो तो पता है और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन जो लोग इससे लड़ रहे हैं या इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी क्या कर रहे हैं? अभी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मैं अगर रेणी के माध्यम से उदाहरण दूं तो ज्यादा रोचक रहेगा, क्योंकि सबसे नया जो हादसा है वो उसी रेणी
गांव के बगल में ऋषि गंगा पर हुआ है, जहां 1974 की 26 मार्च को गौरा देवी ने अपनी बहनों और बेटियों के साथ अपने जंगल को अपने पुरुषों की अनुपस्थित में कटने से बचाया था, जिसके कारण चिपको की बहुत चर्चा हुई, चाहे पारिस्थितिक आंदोलन के रूप में हुई हो और चाहे आर्थिक आंदोलन के रूप में हुई हो। उसी रैणी गांव के बगल में ऋषि गंगा, जिसके बगल में एक नेशनल पार्क है नंदा देवी, दूसरा नेशनल पार्क बगल में है जिसका नाम है फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, इन दोनों को भारतीय नियमों के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय एनवायरमेंटल लॉज के अनुसार उसके भीतर कहीं भी कोई इस तरीके का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल जहां से गौरज से नदी बाहर आती है वहां पर ये हाइडल प्रोजेक्ट लगाया, उसके 6 किलोमीटर पर एनटीपीसी ने दूसरा लगाया और इन दोनों को 7 फरवरी के दिन आई हुई फ्लड ने नेस्तनाबूद कर दिया। अब रैणी के लोगों ने 74 में आंदोलन किया था, उसके बाद उन पर नेशनल पार्क सौंप दिया, फिर वहां जयप्रकाश को जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो एक हाइडल प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन जब 1980 में विष्णुप्रयाग परियोजना बन रही थी तो चिपको आंदोलन ने उसका जबरदस्त विरोध किया था। चिपको आंदोलन का ये तर्क था कि ये 12 महीने नहीं चल पाएगा, क्योंकि 6 महीने तो फूलों की घाटी से और बद्रीनाथ से कोई फ्लो आएगा ही नहीं, वहां तो फ्रोजन एनवायरमेंट रहेगा। प्रकृति ने कुछ ऐसी रचना प्रक्रिया रची है कि 6 महीने उन तीर्थ स्थानों को रेस्ट करना होता है, तभी जो बद्रीनाथ है वो नवम्बर में जोशीमठ आ जाते हैं और फिर मई के महीने में भगवान जी को जो है दोबारा बद्रीनाथ ले जाता है, ऐसे केदारनाथ जी जो है मुखीमठ आ जाते हैं, गंगा माता जी को मुखवा ले आते हैं, यमुना माता जी को जो है खरसाली ले आते हैं। तो ये रिचुअल ही नहीं है, ये इकोलॉजिकली निश्चित विधाएं हैं, संस्कृति के साथ ट्यूनिंग करके उसको बनाया है। उन 6 महीनों में पूरा है हिमालय रिजुविनेट हो जाता था, ताकि नदियों को पानी मिले पूरे गर्मी भर, ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, ताकि जहां जहां आप प्रकृति को ध्वस्त कर आए हैं वह पुनर्सृजित हो, पुनर्जीवित हो। अब रैणी वाले 74 से लेके आज 2021 तक, जब उत्तराखंड राज्य को बने भी 20 साल पूरे हो गए हैं, हाईकोर्ट में आए, हाईकोर्ट ने भी उनकी रिट को दायर करने से जरा सी आनाकानी कर, तो स्वाभाविक है कि जो लोग लड़ रहे हैं अपने मिनिमम संपदा को बचाने के लिए उनकी आवाज कहीं सुनी नहीं जा रही है। जो प्रतिनिधि हैं वो तो चुने जाने के बाद ही अपनी पार्टी के हो जाते हैं, वो जनता के नहीं रहते हैं। जो अखबार हैं उनमें कुछ कुछ खबर आती है, बाकी राष्ट्रीय अखबारों में कोई खबर तो कोने कांतरों की आ नहीं पाती है, और उसके बाद जो आंदोलनकारी हैं वो भी धीरे धीरे अकेले पड़ जाते हैं। चिपको के उस दौर में जितनी एकात्मकता थी पूरे देश से, जिस तरीके का समर्थन था, अब वो धीरे धीरे कम होता रहा। तो इसलिए जो अपने परिवेश को बचाने के आंदोलन, अपनी मिट्टी को बचाने के जो आंदोलन है, उनके लिए भी बहुत कठिन हो रही। आप मैं बीच में मैं कहीं कह रहा था, इतना सबल हिस्सा हमारे समाज के हैं किसान, जब 8 महीने से निर्मम व्यवस्था उनको नहीं सुन रही है तो रैणी के लोगों को क्या सुनेगी। तो एक उदासी का पुट चारों तरफ यहाँ है, लेकिन वैज्ञानिकों ने, समाज वैज्ञानिकों ने और पत्रकारों ने और इन लोगों ने अपनी बात कहने में कभी कोताही नहीं बरती और वो लोग बार बार कहते रहे हैं। रैणी के लेके तो चंडी प्रसाद भट्ट ने 1980 में कहा था कि यहाँ आप छेड़छाड़ मत कीजिए, ये आपसे बहुत ज्यादा कीमत इसकी मांगेगा बाद में, और वो मांगी गई। आपको ये भी याद होगा कि जब विष्णुप्रयाग परियोजना बन रही थी तो चिपको के तर्कों के आधार पर मिसेस गांधी मान गई और विष्णुप्रयाग परियोजना को स्क्रैप कर दिया साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के साथ केरला। लेकिन 1980 में जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ तो पहला हाइड्रिल प्रोजेक्ट प्राइवेट हाथों में इनाम के रूप में जेपी कंपनी को मिला और उसने वो बनाया, और 2013 में किस तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया पूरा का पूरा, वो पूरी देश ने देखा। तो अभी एक उदासी का पुट सर्वत्र है, लेकिन चुप्पी छा गई हुई है ऐसा नहीं लगता है मुझे, चाहे वो रैणी की बात हो, इवन चाहे सिक्किम की बात हो, चाहे हिमाचल के कुछ अंचलों से ये बात आ रही है जहां जहां इस तरीके की ख्यानतें हुई हैं। अब प्रतिरोध के स्वर हर जगह से आ रहे हैं, बहुत आक्रामक चाहे न हो, बहुत सुसंगठित चाहे नहीं हो, चाहे सुने नहीं जा रहे हो, लेकिन लोग अभी भी कह रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हमारा ही प्रश्न नहीं है, ये नदियां नीचे जा रही हैं और ये नीचे मैदानों में भी कहर ढका है। एक जिज्ञासा मेरे दिमाग में है शेखर, शुरू में ही कहा आपने व्याख्यान में कि
संस्कृति बाद में आई, फिर आपने एक वाक्य कहा कि चारों तरफ से मनुष्य आया। तो जी, मेरा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा राजनीतिक किस्म का है और थोड़ा समाजशास्त्री किस्म का है, उसका पर्यावरण से उतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके व्याख्यान में पहाड़ी संस्कृति भी मौजूद है। मैं जानना चाहूंगा कि चारों तरफ से जो पहाड़ पर मनुष्य आया, ये कौन सा मनुष्य था? मतलब जो है आज उत्तराखंड को और हिमाचल प्रदेश को आमतौर पर देवभूमि कहा जाता है, तो उसके पीछे एक तरह का एक जातीयतावादी दृष्टिकोण है कि वहां पर केवल ब्राह्मण और ठाकुर ऊंची जातियों के लोग ही रहते हैं और वहां पर शूद्र और कमजोर जातियों के लोग, दलित जातियों के लोग वहां पे हैं ही नहीं। इसका मतलब जो चारों तरफ से मनुष्य आया था तो ये लोग वहां नहीं गए थे, मतलब जो है, या ये लोग किसी तरह से वहां पर नहीं जा पाए। तो ऐसा ये इस प्रकार का समाज वहां पर कैसे बना? मतलब असली में ये एक लंबी पड़ताल और लंबे अध्ययन की मांग करता है। मेरा भी हाथ इसमें जरा सी तंग है, लेकिन जैसा मैं अभी तक कहता रहा हूँ अपने अध्ययनों में, हिमालय एक इस तरीके का बॉर्डर एरिया है जहाँ से चारों तरफ से रास्ते खुलते थे। मैंने कहीं उसमें कहा था लेक्चर में कि हिमालय इस अर्थ में एक खुला हुआ क्षेत्र है जो अपने दर्रों के जरिए मनुष्यों को, जानवरों को इधर से उधर जाने देता है। यानी कि हिमालय एक ऐसी वॉल नहीं है कि 29,000 फीट हर जगह चली गई हो, नीचे उसके दर्रे 16,000, 15,000, 20,000 तक हैं जहां से मनुष्य का आवागमन, मनुष्य का व्यापार, तीर्थ यात्रा, टन सब होता रहता। जो एथनिक पुराना एथनिक माइग्रेशन हुआ होगा, जो पहले नेग्रोइड्स या मंगोलॉइड्स या खस या कसाइट्स, ये सब जनजातियों के पुराने जो हमारे जो कारुआ आए होंगे, उनमें से बहुत सारे पहुंचते पहुंचते हिमालय में पहुंचे होंगे। और उससे ऐसा लगता है कि हिमालय एक एथनिक ग्रुप्स का मेल्टिंग पॉट बनते, जो नाक, नक्श, भाषा, बोली, चेहरे, मोहरे, खान पान, पहनावा, ये सब हिमालय में दिखता है। तो ऐसा लगता है कि एक मल्टीपल वेव्स जो हैं यहाँ मर्ज हुई होंगी पिछले 2,500-3,000 साल के दौर में। जो अभी जो ठाकुर बामन वाली शब्दावली आती है, ये तो बहुत बाद के एक तरीके से मैदानों से, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं जो सबसे नई पर्थ हिमालय के समाज की, खास तरीके से उत्तराखंड और नेपाल और हिमाचल की अगर बात कहें तो, क्योंकि मिक्सिंग की जो प्रक्रिया है वो कश्मीर में ज्यादा सघन रही है, वो ज्यादा केंद्र में उस तरीके से रहा चारों ओर में, यहाँ वो कम होती गई है। और नॉर्थ ईस्ट भौगोलिक रूप से इतना कठिन था कि वहाँ आवागमन उतना स्मूथ नहीं था जैसा कश्मीर में और मध्य हिमालय में था। तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेल्टिंग पॉट रहा अलग अलग एथनिक ग्रुप्स का, और बाद में जो छोटे मोटे सोशल ग्रुप्स आते रहे, कोई पिलग्रिमेज के बहाने आया, कोई भारत तिब्बत व्यापार के जरिए आया, कोई राजाओं के साथ आया, इस तरीके से भी माइग्रेट हुए। उत्तरी भारत में टर्मोइल जब कभी पॉलिटिकल हुआ तो उस दौर में भी भाग के आते थे, जैसे राजस्थान के बहुत सारे लोग थारुओं के बीच में आए, और थारू राणा ये कहते हैं कि उनके यहाँ राजस्थानी रानियां आई और उनके विवाह थारुओं से हुए। इस तरीके से एक मिला जुला समाज बना। अब जो बात का जो विभाजन है जातियों का 20वीं-21वीं शताब्दी का, उसमें जो सवर्ण है उनकी उपस्थिति और जो बाहर से आए हुए की स्थिति है वो अलग दिखाई देती है, लेकिन अगर जनसंख्या के प्रतिशत के लिहाज से आप देखेंगे तो वो ज्यादा नहीं। जो बड़ा प्रतिशत है वो मंगोलॉइड्स का और कसाइट्स का और पुराने जो निग्रोइड्स हैं, जैसे हमारे जो शिल्पकार हैं, हमारे जो खस एथनिक ग्रुप से, ओरिजिन से आए हुए जो लोग हैं, उनकी संख्या हमारे हिमालय में, खास तरीके से नेपाल में, उत्तराखंड में और हिमाचल में वो ज्यादा है। यह जरूर रहा कि धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता गया, जो प्रभुत्व है वो उन समाजों की तरफ या उन समुदायों की तरफ ज्यादा गया जो संख्या में या जनसंख्या में अपेक्षाकृत कम है। तो कभी कभी उनकी आवाज को आप पूरे समाज की आवाज मानने की गलती होती है, तो जो बड़ा बहुल समाज है वह अदृश्य हो जाता है, वह जनता जैसा बन जाता है, वह नेतृत्व में नहीं होता है या प्रभावशाली हिस्सों के रूप में प्रकट नहीं होता। स्क्रीन पर साथी अनुप्रकाश हैं, वो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी इसका जवाब तो वाज इट ए कॉन्सिक्वेंस फॉर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इसका प्रश्न तो मेरे ख्याल से व्याख्यान में मिल गया है। ओके पूछिए शेखर जी, एक मिनट, शैल भी एक सवाल पूछना चाहती है। शैल ने कमेंट किया है कि डोम्स आर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ओके क्या 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 दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। द डोम
आर अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन कुमाऊं एंड गढ़वाल, ये शैल ने कहा है कमेंट में, ये जो पिछला पिछली बात जो आप कह रहे थे उसी में। असली में जो जो हमारे आर्टिसन क्लास है वो एक तरीके से अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो वो पूरे हिमालय में उसकी प्रेजेंस है। इतना ही है कि स्ट्रेटिफिकेशन में किस समाज ने उसको कहां पर फिक्स किया है या सामाजिक शक्तियों ने कहां पर उसको स्थान दिया है, ये देखने की बात। अब हमारे यहाँ जैसे उत्तराखंड है, जैसे नेपाल है, जैसे हिमाचल है, वहाँ आर्टिसंस का बहुत बड़ा क्लास है। ये वो क्लास है जिसको अभी हम दलित कहते हैं, जिसको अभी हम गांधी युग में स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जिनको हरिजन कहा जाता था, और हमारे यहाँ तो एक अच्छा शब्द उसके लिए पहले इन्वेंट हो गया था, शिल्पकार। वो शिल्पी थे, वो अलग अलग आर्ट्स के थे, वैसा और हो नहीं सकता था कोई, और उन पर बकाया समाज निर्भर था। और यही दलित जो थे, ये हमारे नेपाल के समाज में, उत्तराखंड के समाज में और हिमाचल के समाज में बहुत प्रभावशाली थे, और आज भी वो बहुत प्रभावशाली हैं। और हालांकि उनको रिजर्वेशन उस तरीके से मिला है, और उस कारण उनके जो अपने हुनर हैं वो लगभग गुम गए हैं। नौकरी में जरूर आ गए, सामाजिक स्तर में भी जरा सी ऊपर को तरफ उनका विचरण हुआ होगा, लेकिन उनके जितने हुनर थे, जिनको बकाया समाज नहीं जानता था, सवर्ण नहीं जानते थे, वह बड़ी सीमा तक हमने खो दी। शेखर भाई, ये जो शिल्पकार समाज है, क्या ये छुआछूत का शिकार नहीं था? बहुत जबरदस्त तरीके से ये सदियों तक इसने छुआछूत झेली, लेकिन उस छुआछूत में एक खास तरीके की मिठास थी। मिठास इस अर्थ में सवर्ण के लिए, क्योंकि वो सदियों तक इनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करते रहे। लड़ाई में, युद्ध में जाने वाले जो तलवार हैं, भाले हैं, उनको धारदार बनाने का काम यही शिल्पी करते थे। ढोल बजाने का काम ये शिल्पी करते थे। देवताओं का अवतरण ये शिल्पी करते थे। लकड़ी, पत्थर, रेशा, रसायन के जितने काम थे, ये जरूर हुआ कि उनको लोहे का काम दिया, उनको सोने का काम नहीं दिया, उनको जड़ी बूटी जमा करने का काम दिया, वैद्यकी में निष्णात होने का काम नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो कुछ हुनरों में इतने निष्णात थे कि बकाया सवर्ण समाज जो मध्यकाल में वहां था, बाद में वहां आया, वह इन पर पूरी, यानी कि सवर्णों के देवता भी बिना इनके गीतों के, बिना इनके ड्रमिंग के, बिना इनके हुड़के के अवतरित नहीं होते। तो ये निर्भरता जबरदस्त तरीके से थी, साथ में छुआछूत भी था। लेकिन देखने की बात यह है, आपको आपको शायद कफलटा कांड की याद होगी, जो 1982 में एक बहुत बड़ा हत्याकांड यहाँ हुआ था एक बारात को लेके। तो उस समय बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, मुझे दिनमान में लिखे लेख की एक याद आ रही है। जिस तरीके का संबंध सवर्णों और शिल्पकारों में उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है, उस तरीके का रिश्ता यहाँ नहीं। रिश्ते में एक जबरदस्त शोषण का ताना बाना जरूर है, लेकिन एक इस तरीके की दोनों पर परस्पर निर्भरता है कि न तो वह उनके बिना काम कर पाते हैं, न वह इनके बिना रह सकते हैं। वो हिमाचल में भी दिखेगा, उत्तराखंड में भी दिखेगा और नेपाल में भी दिखेगा। और बावजूद इसके, रिजर्वेशन के बावजूद भी, सन 50-52 में इनका रिजर्वेशन लागू हो गया था। उत्तराखंड में जो शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है वो 67 में लागू हुआ, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है उनका रिजर्वेशन 50 में संविधान के लागू होने के बाद से लागू हो गया था। अभी भी वो जिस तरीके से उनको ऊपर उठना चाहिए था, उतना वो ऊपर नहीं उठ पाए। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ शेखर जी, बताइएगा। वो ये है कि एक तो समायोजन वाली बात है कि पहले लोग प्रकृति के साथ एक तरह से समायोजित हो जाते थे, तो आपदाओं का 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 जाहिर है नोटिस तो लेना ही पड़ता था उनको, क्योंकि असर उन पर भी पड़ता ही था, लेकिन वो उनको अपने स्ट्राइड में लेके चलते थे कि चलो कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। जैसे कि मैदानों से अगर मैं तुलना करूं तो बेनीपुरी वगैरह लिखते चले जाते हैं कि बाढ़ का बेटा है, वो तो बाढ़ में, बाढ़ कोई नई बात नहीं है पूर्णिया जिले में रहने वाले लोगों के लिए या नॉर्थ बिहार वालों के लिए। तो वो जो समायोजन है, अभी तो एक फर्क तो बड़ी बात अपने ये कही कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, आवृत्ति बढ़ गई है कि बार बार इस तरह के की आपदाएं आ रही है। लेकिन जब मान लीजिए मैं राहुल सांकृत्यायन, जिन पर आपने भी लिखा है, उनको मैं उनका लिखा हुआ, एक मैदान का इंसान जो पहाड़ जाता है, मैदानी इंसान हमेशा तपस्या करने के लिए पहाड़ों में जाता रहा है, लेकिन उनके लेखन में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, पहाड़ों पर नोट्स नहीं मिलते हैं ज्यादा, ये दिलचस्प है।
लेकिन राहुल जी जो हैं वो पहाड़ों में न सिर्फ वक्त बिताते हैं बल्कि पहाड़ों के बारे में लिखते भी हैं। जाहिर है उनके अपने ये इंटरेस्ट थे बौद्ध साहित्य में और वो तमाम, लेकिन आपदाओं को लेकर के या पर्यावरण को लेकर के हम उनके लेखन से क्या सीख सकते हैं? ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आजकल राहुल जी के लेखन में बहुत नई दिलचस्पी पैदा हुई है समाज वैज्ञानिकों ने में, तो आपके हिसाब से कैसे राहुल जी को पढ़ा जाए कि जो कि आपके इस विषय से जुड़े? असली में राहुल जी की जो मेरी जीवन यात्रा है और बहुत सारी किताबें हैं उनमें इस तरीके के प्रसंग बहुत ज्यादा नहीं है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि जिस सीजन में, जिस दौर में, यानी कि जिस मौसम में वो हिमालय को पार करके तिब्बत में जाते रहे या हिमालय के अंतर्वर्ती इलाकों में जाते रहे, उनका सीधा सामना किसी आपदा से नहीं हुआ हो। एक बार उनका एक आपदा से सामना हुआ था, वह जो जाट गंगा है भागीरथी की सहायक, उसमें बाबा नागार्जुन और वह जो है तिब्बत में थुलिंग के लिए जा रहे थे और वह जिस घोड़ी को वह ले गए थे वह घोड़ी एक आइलैंड में फंस गई और आइलैंड से बाहर नहीं आ पाए। अब 3 दिन प्रतीक्षा करते रहे और 3 दिन प्रतीक्षा के बाद घोड़ी निकली तो घोड़ी घायल हो गई क्योंकि उस आइलैंड में उसको कोई चारा तो मिला नहीं, छोटा सा एक बालू का एक ढेर था उसमें बेचारा घोड़ी खड़ी रही। जब वह घोड़ी को निकाल दिया गया तो राहुल जरा जिक्र करते हैं अपने उसमें और कहा तब तक उनको कोई एक मैसेज आ गया देहरादून से कि उनको लौटना है, पटने लौटना है उनको। तो बाबा नागार्जुन अकेले बेचारे वहां के लिए गए तिब्बत के लिए और राहुल को लौटना पड़ा। अब मैं सावधानी से एक बार फिर राहुल को पढ़ूंगा कि कहां पर इस तरीके का दिखता है। तिब्बत में इस तरीके की आपदाएं नहीं थी, बर्फ वाली जरूर थी, उसका जिक्र जरूर राहुल करते हैं। लेकिन अगर आपदाओं को उस तरीके से देखना हो तो मेरे ख्याल में रेणु सबसे बेहतरीन रचनाकार है। रेणु की परती पर कथा में आप कोशी को समझने का उपक्रम कर सकते हैं, या जो और जगह की बहुत सारी बाढ़ है उन पर हमारे मिश्रा जी ने जिस तरीके का लेखन किया है वो दूसरा देख सकते। रेणु चले गए जब हमने परती पर कथा को पढ़ा, लेकिन जब मैं बिहार के अंतर्वर्ती इलाके में गया, सप्तकोशी के इलाके में गया और उस तरफ से मैं तिब्बत में गया और चोमोलोंगमा यानी कि एवरेस्ट के चारों ओर की नदियां किस तरीके से सप्तकोशी बन करके आती हैं और फिर कोशी बनती है जहां भारत ने बैराज बनाया है और किस तरीके से उसने पिछले 400 साल में 300 किलोमीटर से ज्यादा वो ईस्ट से वेस्ट को नदी चली गई, उसका बहान जो है इस तरीके से मुड़ गया, उसको समझने के लिए तो रेणु को उस समय ये परिदृश्य किसी ने नहीं दिया। वरना रेणु जहां से नदी जन्म ले रही है एवरेस्ट के चारों ओर से तिब्बत से, वहां से लेके यहाँ तक जो बाढ़ बनने की रचना प्रक्रिया है उसको समझती। लेकिन मुझे रेणु जो है बाढ़ को बड़ी संवेदना से और बड़ी गहराई से समझने वाले रचनाकार लगते हैं। हमारे जो दयारा लैंड है पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में, वहां पर हमारे कुछ मित्रों ने अध्ययन यात्राएं की। अभी रमाशंकर सिंह ने अपनी थीसिस लिखी है ये नदी के किनारे रहने वाले समाजों पर, तो उसमें ऐसा लगता है कि बाढ़ जो थी ना एक एनुअल इंतजार होता था पूरे इंडो गंगटिक प्लेन में, क्योंकि बाढ़ आतंक की तरह नहीं आती थी, तब बंद नहीं थी नदियों का वो एनुअल स्वभाव था और जो सरप्लस पानी था उसके साथ सरप्लस मिट्टी और उर्वरता नीचे को आती थी और वो पूरे उत्तरी भारत के मैदानों में भिज जाती थी। जो खाद आजकल हम फर्टिलाइजर केमिकल कंपनियों से अपने फसलों में डालने के लिए ले रहे हैं वो हिमालय ही दिया करता था और एनुअली दिया करता था। वो प्रक्रिया हमने अपर गंजेज कैनाल, लोअर गंजेज कैनाल, इधर की कैनाल उधर की कैनाल बना करके नदी का जो स्वाभाविक प्रवाह है उसको रोकने के बाद उसको रोक दिया है। अब हमने नदी के किनारे बंड बनाए हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें जो बाढ़ है वो और ज्यादा विकराल और मारक रूप में हमारे बीच में फैल जाती है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ एक वाक्य में, कि अंग्रेजों के जमाने में जो भी ट्रेवलर्स हिमालय में और तिब्बत में गए और बहुत बड़ी संख्या में गए, उन लोगों ने जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के जर्नल में और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ आयरलैंड के जर्नल्स में जो अपने मेमोर्स लिखे हैं उसमें बार बार उन्होंने इस तरीके की आपदाओं पर, जो उस समय तक ज्यादातर प्राकृतिक ही थी, शुद्ध प्राकृतिक थी, मैनमेड उसमें कोई एक तरीके से हस्तक्षेप नहीं था, उनका जिक्र किया है। और नंदा देवी के संदर्भ में टिलमैन और ये जो नंदा देवी में 36 सन में चढ़े और 50 साल की माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री नंदा देवी की है, उनसे बहुत विहंगम हमें सामग्री मिलती है। आखिरी सवाल, आप हर बार यात्रा करते हैं और जाहिर है कि हर कुछ ना कुछ नया मिलता होगा, इस बार आप कहां गए और आपको ऐसा क्या मिला जो आपने पहले नहीं देखा था?
इस बार में बहुत ज्यादा नहीं गया, हम लोग पिछले दिसंबर में 6 दिसंबर को रैनी गांव में थे। हमें अपने एक बड़े वयोवृद्ध मित्र हरिश्चंद चंदोला, उनके लड़के की मृत्यु हो गई थी, वो जोशी मठ में रहते हैं आजकल, वो दिल्ली से वहां आए थे, उनसे मिलने जाना था। चंद्र प्रसाद भट्ट बीमार थे, उनसे मिलना था। रमेश पहाड़ी बीमार थे, उनसे मिलना था। एक और साथी हमारे पुरुषोत्तम असनोड़ा थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनके परिवार से मिलना था। तो दिसंबर में हम लोगों को अलाउ किया गया कि आप निकल सकते हैं वो परमिट हरमिट लेके। तो हम 4-5 लोग निकले, तो हम रैणी गए, रैणी से लाटा गए, जहाँ से ऋषि गंगा आती है, उस हाइड्रिल प्रोजेक्ट को देखा है, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट देखा है। और हम जब लौट रहे थे तो मैं अपने मित्र राजू लोचन शाह, निरंजन पंत और चंदन डांगी से कह रहा था कि देखो ये घुसपैठ की है, तुम जल्दी ही सुनोगे। बल्कि मेरे मुख से ये निकला, हमारे रहते रहते मुझे लगा हो सकता है 10-5 साल टिक जाए। मैंने कहा ये निकल जाएगा देखना तुम, क्योंकि ऋषि गंगा जब अपने गौर से बाहर आती है वो ऐसी छोटी मोटी चीजों को बख्शती नहीं है। और पुरानी हिस्ट्री रही है 200 साल की, तो अच्छी नोन रही है, ये हमारी बात हो रही थी। इधर हम कहीं और तो नहीं गए, हम उधर पिथौरागढ़ की तरफ और उस तरफ गए। तो उधर जो गोरी नदी और काली नदी, जिसमें अभी पंचेश्वर का डैम बनने का षड्यंत्र शुरू हो गया है, उस नदी के व्यवहार को हमने इस बार देखा कि हमने किसी संगम पर कभी बोल्डर्स जमा नहीं देखे। तो जो जौलजीवी जहां पर काली और गोरी नदियां मिलती, काली की बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है गोरी नदी, जो करीबन 120 किलोमीटर की यात्रा करके मीलम ग्लेशियर से आती है। मीलम ये वही ग्लेशियर है जिस नाम के गांव में पंडित नैन सिंह रावत और पंडित कृष्ण सिंह रावत जैसे लोगों का संबंध जिससे जुड़ा हुआ है, जो उच्च हिमालय का पूरे हिमालय में सबसे बड़ा गाँव है। उसके मुकाबले नामची बाजार जो एवरेस्ट के बेस में जो गाँव है वो भी कम है। इतना बड़ा मीलम यानी कि 500-600 घरों का गाँव हुआ करता था, और जिसमें उस जमाने में पैदल पहुंचने में 10 मिनट लगते थे। 3 दर्रों को पार करके आप पश्चिमी तिब्बत जाते थे। तो उस जौलजीवी के संगम को देखा, तो वहां पर जितने बोल्डर जमा थे तो मैंने पहली बार देखा। आपने देवप्रयाग में बोल्डर नहीं देखे होंगे संगम पर, आपने कर्णप्रयाग में नहीं देखे होंगे, रुद्रप्रयाग में नहीं देखे होंगे, अलाहाबाद में नहीं देखे होंगे, आगे जहां घाघरा और वो मिलते वहां नहीं देखे होंगे, लेकिन जौलजीवी में थे वो। उतने बड़े बोल्डर इस बात के संकेत थे कि काली और गोरी नदियां और उनकी सहायक धौली और अन्य नदियां बहुत आक्रामक नदियां हैं। उनके जलागम में आजकल सड़कें बन रही हैं और हर मलवा और मिट्टी नदी में जा रहा है। अब आने वाले समय में वो डैम बनाने जा रहे हैं। तो जितनी चीजें की जा रही हैं वो बहुत दिन तक नहीं टिकेंगी, इसका संकेत वो विराट बोल्डर्स जो संगम पर खड़े थे उनको मैंने देखा। बड़ी यात्रा हम कर नहीं पाए, जहां मैं आपको बता रहा था कि मैं ऊपर धौली गंगा में जाना चाहता हूँ, वहां की सड़कें टूटी हुई थी, तो मैं वहां से मुझे लौटना पड़ा, वहां नहीं जा सका। अनुप्रकाश जी की तरफ से एक प्रश्न है जी, पहाड़ी संस्कृति के ऊपर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव आप देखते हैं? मैंने उसमें कहीं जरा सी कहा अभी जब मैं बोल रहा था। दरअसल यह है कि भूमंडलीकरण दूरस्थ दुर्गम इलाकों में जरा सी देर से पहुंचता है, लेकिन जब पहुंचता है तो तब तक जब तक वो घिर जाते हैं पहाड़ के लोग, तब पता चलता है कि भूमंडलीकरण पहुंच गया है। चिप्स के रूप में पहुंचता है, पॉलिथीन के रूप में पहुंचता है, भरी हुई और बाद में खाली बोतल के रूप में पहुंचता है। भरी हुई बोतल को तो टूरिस्ट भी गया है, खाली कूड़ा हमारे लिए रख गया है, या वो हमारी नदी में जा रहा है, हमारे ताल में जा रहा है। और फिर भूमंडलीकरण को वो देखता उस रूप में है कि हमारे अपने जो हुनर हैं और हमारे अपने जो किए हुए उत्पाद हैं वो धीरे धीरे विलीन होगा। आपकी रोटी नहीं खाने को कोई तैयार है, पता चला कि हम वही खाएंगे जो वो पैक होके आया है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें कैचुए जैसे होके वो मसाला सही तो आता है। मुझे तो शक है कि उस मसाले में कोई ऐसा रसायन या केमिकल है अफीम की तरह, जिससे खाने वाले बच्चे या टूरिस्ट आकर्षक होते हैं। इन रूपों में हमारे यहाँ हम अपना ऊन बनाते थे, हम अपना कॉटन बनाते थे, हम अपना चमड़ा बनाते थे, हम अपना गुड़ बनाते थे, अपना घी तो अभी भी बनाते हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया आई, उसने उन सब हुनरों को, उन सब जो प्रोडक्शन के जितने स्थानीय मिजाज थे, रूप थे, उन सबको भी एक तरीके से ध्वस्त कर दिया। और बाजार की अर्थव्यवस्था पर इतने निर्भर हो गए कि पता चला कि पीलीभीत से लौकी आ रही है, कि पता चला कि वो लालकुआं के डेयरी से दूध आ रहा है, और पता चला कि कोई और चीज चिप्स तो कहीं और से बंद होके आ रही होगी, और जो हमारा ही पानी पैक हो गया। आप कोई आश्चर्य करेगा कि गंगोत्री में आप किसी मल्टीनेशनल की 25 रुपये की बोतल का पानी गंगोत्री पर पी रहे हैं। अब इससे शर्मना क्या हो सकता है, और इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है कि आप गंगोत्री में गंगोत्री का पानी नहीं पी करके आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी भी कंपनी का पैक्ड वाटर वहां पर पी। और यह हाल हमने तिब्बत में भी देखा, हालांकि वहां कैलाश मानसरोवर
के नाम का ही मानसरोवर पानी बोतल में पैक होकर आ रहा है, जो करीबन 5 या 6 युआन में बिक रहा है। तो पहाड़ों में जो ग्लोबलाइजेशन है वह आर्थिक रूप से तो आपको पस्त करता ही है, आपके हुनरों को और आपके जो रहने खाने पीने के तरीके हैं उनको एक मोनोकल्चर में तब्दील करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल कूड़ा आपके लिए छोड़ जाता है। मैंने कहीं एक लेख में लिखा था कि जब चीन के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध नहीं थे, उस दौर में तिब्बत में वो क्या कर रहा है, इस पर नजर रखने के लिए कोई एक एटम संचालित किसी एक एपरेटस को कहीं रखना था किसी ऊंची पीक में, तो नंदा देवी हमारी सबसे ऊंची पीक थी, उसमें उसको फिक्स करके तिब्बत पर नजर रखनी थी उसके द्वारा। और वो जो ये अपने एटम को बनाने वाले जो धातु होता है उसकी रॉड उसमें लगे हुए थे, उसको जब रखने गए तो वहां तूफान आ गया, तूफान आने के बाद वो उसको छोड़ना पड़ा वहां। अगले साल जब ये माउंटेनियर्स का दल CIA की मदद से वहां ऊपर गया तो देखा कि वो पूरा एपरेटस जो है वो गुम हो गया है, वो बर्फ में यानी कि नंदा देवी के नॉर्थ ग्लेशियर में कहीं खो गया है, अभी भी वही। अब मान लिया कभी वो रेडियो एक्टिव हो जाए तो आप कल्पना कीजिए कि वहां से निकलने वाली नदी का जो अंत है वो गंगा सागर में होता है। उत्तरी भारत का इतना बड़ा समाज जो है उस गंगा के पानी पर निर्भर, उसको वो मां मानता हो कि ना मानता हो लेकिन उसका जीवन उसके बिना नहीं है, तो वो अभी भी वहां पड़ा होगा। अगर किसी माउंटेनियर की डेड बॉडी वहां पड़ी रहे तो वो पड़ी रहेगी, और नेचर की विशेषता ये है कि उसको वो ममी बना देता है, वो हूबहू ऐसी ही वो बॉडी रहती है जैसे मैलोरी की बॉडी नॉर्थ ऑफ एवरेस्ट में 75 साल बाद साबुत मिली, उसको दोबारा दफन कर दिया है। लेकिन अगर कोई रेडियो एक्टिव चीज बिना जनता को बताए हुए, बिना किसी को मालूम हुए वहां डाल दी गई है और बाद में वो एक्सपोज हो गया है उसको ढूंढने के चक्कर में, अब वो कभी रेडियो एक्टिव हो जाए तो उसके परिणाम किस तरीके के हो सकते हैं ये देखने की बात। ये भी आनंद एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का ही एक कोई पुराना नमूना है कि आपने हिमालय में एक किसी भी एजेंसी को आने दिया चीन पर नजर रखने के लिए, किसी और देश पर नजर रखने के लिए, और हमारे पर्वतों का और सबसे सैक्रेड माउंटेन नंदा देवी का उसके लिए इस्तेमाल किया गया। नंदाकोट में जो रखा उन्होंने उसको तो विड्रॉ कर लिया है, वो मिल गया, लेकिन नंदा देवी का वो जो एटम का छोटा सा जो एपरेटस है वो अभी भी वहां पड़ा हुआ है। और कोई सवाल? डॉक्टर अरविंद कुमार कुछ कहना चाहते हैं? बताइएगा, कहाँ है उनका? शैल का सवाल है, म्यूजिशियंस भी थे, आई हैड ए क्वेश्चन बड़वा which was great conference of culture Greeks and shut up. आप बोल दीजिए। वो उनका जो अरविंद कुमार जी का कुछ आया सवाल? उनका सवाल हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, उनके हाथ तो उठा वो दिख रहा है लेकिन उनका सवाल नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। उनसे वो कर दीजिए स्क्रीन में कहिए। हाँ वो कोशिश हो रही है, नहीं तो उनसे कहिए कि शेष मंगलाचरण अगली बार होगा। अरविंद कुमार विल बी रिजॉइनिंग द webinar as a panelist. Okay, fine, but where is, what's his question? Okay, shell kya keh rahi thi, shell ko dikhaiye ra. Greek shaka kushan jp subrai kal se revolving door of civilization. Shell ne do tippniyan ki hain, do teen tippniyan ki hain. Ek tippni hai ki wahan pe wahan par music sangeet ke jankar log bhi the, और अफगानिस्तान के बारे में उनका एक सवाल है कि वो यूनानी और शकप क्या मतलब हुआ, शकास यूनानी और जो शक संस्कृति का एक बहुत ही महान शक संस्कृति का एक बहुत महान संगम था, एक तो उनकी ये टिप्पणी है। दूसरा उनका कहना है कि सोबराय जो समाजशास्त्री हैं बहुत मशहूर, उन्होंने हिमालय को लिखा कि वो यूनानियों के शकों के और कुषाणों की सभ्यता का एक रिवॉल्विंग डोर था, मतलब रिवॉल्विंग डोर रहा है। उनकी एक टिप्पणी है, इट वाज मोस्ट एथनिकली कॉम्प्लेक्स एंड आल्सो रिलीजियसली, जैसे कि ग्रेटर गंधार स्पष्ट करता है,
जो ग्रेटर गांधार है उसका उससे जाहिर होता है कि वो जातीय दृष्टि से बहुत ही जटिल और धार्मिक दृष्टि से भी काफी एक जटिल क्षेत्र है। टिप्पणियों पे आप कुछ कहना चाहें तो कहें। मैं बहुत संक्षेप में कहता हूँ, ये दरअसल जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो कश्मीर यानी कि हिंदू कुश हिमालय जब हम कहते हैं तो हिंदू कुश वो इलाका है जो कश्मीर अफगानिस्तान गांधार वाला क्षेत्र जो एक तरीके से है, तक्षशिला विश्वविद्यालय से नॉर्थ तक का, बामियान तक का, बल्कि टर्की के बॉर्डर तक का आपको बुद्धिस्ट मेमोरियल्स वहां दिखाई देते। तो ये इलाके ऐसे थे कि बड़ी बड़ी जनसंख्याओं समुदायों के आवागमन जाने के सिल्क रूट भी यहाँ पर मर्ज होती थी। हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से जाने वाले, राजस्थान से जाने वाले, ईरान से आने वाले तमाम रस्ते, मध्य एशिया से, चाइनीज तुर्किस्तान से, जिंजियांग से आने वाले रस्ते क्रिस क्रॉस एक तरीके से हमारे लद्दाख से नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में होते रहे थे। बहुत रोचक इलाका है, यानी कि पुराने एथनिक हिस्ट्री को अगर छोड़ भी दिया जाए तो सिकंदर के जमाने से लेके आज तक के पूरे सर्वेक्षण, बल्कि पिछली दो सदी पहले जो हमारे सोमादी कोरोसी वहां से पैदल चल के अपने पूर्वजों को ढूंढने के लिए आए थे यूरोप से, वहां तक इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि बहुत सारे समाज और संस्कृतियां मिली तो हम देखते हैं कि संस्कृति के जितने आयाम हो सकते हैं वह बहुत वैरायटी में वहां प्रकट हो। जैसे जो गांधार आर्ट है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, हालांकि बुद्धिज्म उसका एक तरीके से हार्टलैंड रहा, लेकिन उसके साथ ही वहाँ जो जो सैविज्म जो कश्मीर का है वो भी वह दिखता है, जो सूफी मूवमेंट की जो लहरें हैं वहां से होते हुए आ रही, गजनबी गोरी भी वहां से आ रहे और बहुत सारे जो आक्रामक लोग हैं वो भी वहां से आ रहे, भारत में राजवंश चलाने वाले लोग भी वहां से आ रहे हैं इंक्लूडिंग बाबर और अन्य। लेकिन जो समाज आ रहे हैं उनके साथ जो संस्कृतियां आ रही हैं, उनके साथ जो स्थापत्य आ रहा है, न सिर्फ पत्थर का बल्कि लकड़ी वाला अद्भुत रूप से विकसित वो कला है वहाँ, मिट्टी का जो आर्ट है वो बहुत जबरदस्त तरीके से है, संगीत के जितने प्रकार हैं और जितने वाद्य यंत्र हैं, जितनी वैरायटी आपको इस इलाके में मिलती है वो वैरायटी जाते 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 नॉर्थ ईस्ट में कम हो जाती है। वहां फिर क्योंकि जंगल का इलाका ज्यादा है और फैला हुआ है जनसंख्या के लिहाज से, और वहां उतनी बड़ी हलचल नहीं है नॉर्थ ईस्ट में समाजों की, समुदायों की, आवागमन की। हालांकि तवांग को अगर आप देखेंगे तो उसका लासा से बड़ा रिश्ता रहा है, एक तो दलाई लामा ही खुद हमारे भारत में तवांग का बच्चा रहा, उसे बारे जो कविताएं भी लिखता था, पगला भी गया था, जिसमें दलाई लामा हो गए भी प्यार मोहब्बत करने से, यानी कि सांसारिक प्यार मोहब्बत करने से इनकार नहीं किया था। लेकिन ये वाला इलाका जो मैं कश्मीर का कह रहा हूँ, हिमाचल का कह रहा हूँ और ऊपर का कह रहा हूँ, ये इलाका स्थापत्य के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, संगीत के लिहाज से, और संगीत दोनों इंस्ट्रूमेंट्स भी और गायन के लिहाज से भी अद्भुत रहा है। उनकी धुनों पर बहुत सारी कामें हुई हैं, उस लोगों ने फिल्में बनाई हैं, उससे उसको परखा जा सकता है। और गांधार आर्ट तो अपने आप में अनोखा है, जिसको अभी भी शक हो मथुरा म्यूजियम में जाके वो देख सकता है उस आर्ट को, किस तरीके की नक्काशी है। और बहुतों को अभी फास्टिंग बुद्धा याद होगा, कितने एक पत्थर में उन्होंने फास्टिंग बुद्धा को ऐसा डिपिक्ट किया है कि आपको लगता है कि अगर आप छुएंगे, अभी शायद कराची के म्यूजियम में रखा हुआ है वो, छुएंगे तो ऐसा लगता है कि बुद्ध शायद जरा से हिल जाए कि मुझे किसी ने छू दिया है, इतना इतना महीन और सोफिस्टिकेटेड आर्ट होता है। तो ये सब गांधार आर्ट के एक तरीके से नमूने हैं। और फिर बाद में चित्रकला भी वहां विकसित हुई और यहाँ से छोड़ो बहुत तरीके की चित्रकला आर्ट भी आई, लेकिन इस आर्ट के जो फॉर्म है वो और रूपों में आए। जैसे अभी मैं बता रहा था कि लकड़ी में, जैसे वूलन जो बड़े बड़े कारपेट्स वगैरह बनते थे उनमें, और ये कला उधर ईरान को छूती है, इधर तिब्बत को छूती है, उधर जो है आपके यूरोप को और मध्य एशिया को छूती है, और इधर भारत को छूती है। तो इतना बड़ा जो समन्वय है कलाओं का, क्योंकि मनुष्यों का समन्वय हुआ तो स्वाभाविक था कि उनकी कलाओं का और जीवन पद्धतियों का भी हुआ। भाषाओं के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट इलाके, एक ओल्ड जर्मनिक लैंग्वेज का रिश्ता कश्मीरी लैंग्वेज से मिला है, और कश्मीरी लैंग्वेज का एक कनेक्शन जो है हमारे उत्तराखंड की एक लैंग्वेज से मिला है, क्योंकि ये जो जो तथागत इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज कहा गया है उसको अगर जनरलाइज होने से छोड़ दिया जाए, उसके भीतर की परतों में जाया जाए, तो आपको जो तलछट के रूप में जो वोकैबुलरी मिलती है उसका मिलान करके आपको लगता है कि कभी किसी जमाने में उनके पूर्वज एक रहे होंगे, और फिर सदियों के आवागमन के बाद बहुत सारी चीजें खो गई, बहुत सारी चीजें बची रही, जो बची रही उनमें कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई धुन हो सकती है, और कोई शब्द हो सकता है। तो उस इलाके में जो अब ये हमारे उत्तराखंड में भी आपको दिखेगा, तिब्बत और गंगा यमुना के मैदान का समन्वय हमारे यहाँ आपको ज्यादा दिखेगा, नेपाल में दिखेगा, सिक्किम में दिखेगा,
लेकिन जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं वहां जरा जरा आसाम का प्रभाव दिखेगा, फिर बर्मा, म्यांमार और ईस्टर्न तिब्बत का प्रभाव, और उनमें बड़ा अंतर संबंध भी है क्योंकि चारों तरफ वहां बुद्धिज्म है। बर्मा की तरफ से भी आ रहा है, भारत की तरफ से भी आ रहा है और लासा की तरफ से भी आ रहा है। तो ये हिमालय में बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनके हम बहुत ही प्रारंभिक, हम लार्वा स्टेज में हैं हिमालय के इन सभ्यता संस्कृति को जानने में। इसलिए अभी क्योंकि हम जानते नहीं है, इसलिए मैं बल्ला हवा में चला दे रहा हूं। लेकिन कभी हमारी नई पीढ़ियां अगर इस पर काम करेंगी, तब हम अगर बुढ़ापे और ज्यादा बुढ़ापे में बचे रहेंगे तो हम कहेंगे देखो हमारे बच्चों ने जो है उन चीजों को खोज लिया है जिनके बारे में हम कहते थे कि हो सकता है ऐसा। बहुत ही सुंदर। हाँ प्रभात बोलिए। धन्यवाद पाठक जी। मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, आप श्रीराम से पूछिए। आपके व्याख्यान को सुनकर मुझे लगा कि मैं आपसे जानूं कि सैलानी और तीर्थयात्री ये दोनों एक ही किस्म के लोग हैं या अलग अलग हैं? सैलानी क्या होता है जरा पहले मुझे बताइए। सैलानी और तीर्थयात्री, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। हाँ सैलानी, सैलानी, ठीक ठीक मैं बताता हूँ। दोनों के बीच क्योंकि आपके व्याख्यान से लगा कि तीर्थयात्री उतने खतरनाक नहीं है पर्यावरण के लिए जितना कि सैलानी खतरनाक है। नहीं, उसमें मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ कि तीर्थयात्री भी खतरनाक हो सकता है और एक सैलानी भी नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक सैलानीपन है और जो तीर्थयात्रा है, दरअसल उसकी बात मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहीं बीच में बोला या हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ कि पूरे हिमालय में एक वेस्टर्न तिब्बत में कैलाश मानसरोवर एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट का भी है और तीर्थ यात्रा भी। आपको आश्चर्य होगा मैंने कहीं कहा था कि कैलाश मानसरोवर एक ऐसा तीर्थ है जहां सबसे पुराने बोनपा लोग, हिंदू लोग, बौद्ध लोग, जैन लोग एक साथ तीर्थ यात्रा में जाते हैं। आधुनिक चीनी टूरिस्ट भी जाते हैं, यूरोपियन टूरिस्ट भी आते हैं, मुस्लिम व्यापारी भी आते हैं। हमने देखा कि कैलाश पर्वत के सामने सबके सब बिल्कुल हम्बल हो जाते हैं, बिस जाते हैं। मैं ब्रिटिश विवरण पढ़ रहा था अंग्रेजों के जमाने के, कि एक लद्दाख का व्यापारी जो है वो लेह के लिए जा रहा था और ठीक परखा के मैदान से जो कैलाश और गुरुड़ा मानता थे कि बीच का मैदान है, बगल में मानसरोवर राकस्थल है, 700-350 स्क्वायर किलोमीटर और 250 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए, वहां से गुजर रहा है। तो वो अपने याक से उतरता है, एक दरी बिछाता है और घुटने टेकता है और खुदा को याद करता है, और वो कहता है कि जो सुंदर स्थान है वो हमारी खुदा की इबादत के स्थान है। जो बुद्धिस्ट है वो अपना मणिचक्र घुमाते हुए कहता है ये मेरे बुद्ध का, मेरे मणिपद्म का, मेरे मिलारेब्बा का स्थान है। जो जैन है वो कहते हैं कि मेरा जो पहला तीर्थंकर है वो अपने शरीर को गलाने के लिए यहाँ आया था और वो भी वहां आते हैं। जो हिंदू हैं वो उसमें शिव को देखते हैं, पार्वती को देखते हैं, कार्तिकेय को देखते हैं, गणेश को देखते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये कम्युनिस्ट चाइना के पश्चिमी तिब्बत टार में, यानी कि ऑटोनोमस तिब्बतन प्रोविंस में है। ये अयोध्या नहीं है जहाँ आज भी हम एक मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ हमने ध्वंसीकरण ही पूरा कर दिया है। और ये वो भी नहीं है जेरूसलम भी, जहाँ बहुत आधुनिक बनने वाले इजराइल और उसके बगल के अरब वाले आज भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मस्जिद और चर्च का प्रश्न है उसको एक समझौते के तहत, एक समन्वय के तहत किया जाए। तो पश्चिमी तिब्बत का ऐसा तीर्थ है। अब वहाँ जो पिलग्रिम हैं वो टूरिस्ट धीरे धीरे बन रहे हैं, और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं उनमें पिलग्रिमपन आ रहा है, वो हम्बल हो रहे हैं, कम जरूरतें लेके आते हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ है। हमारे यहाँ वो गड़बड़ और पराकाष्ठ पर है। वो किस अर्थ में पराकाष्ठ पर है कि आप उन चीजों को लेके अपनी तीर्थ यात्रा में जाते हैं जो चीजें वर्जित थी, जिनको आप हिल स्टेशन में इस्तेमाल कर सकते थे, उनको लेके आप जब पंचकेदार में जाएंगे, आप अमरनाथ जाएंगे, किसी और जगह जाएंगे, तो वो जगह अपने आप में नष्ट हो। जब आप वहां पर बोतलें छोड़ेंगे, प्लास्टिक की हों कि कांच की हों, जनेऊ छोड़ेंगे, अपने बच्चे के या परिवार के लाए हुए जुल्फ वाले जो उसके जब मुंडन होता था उसको वहां पर फेंक, कैलाश मानसरोवर के तट पर भी हमने ये गंदगी भारतीयों के द्वारा की ही देखी, लेकिन गोमुख में उसको देखना
एक तरीके से बहुत दूर चला गया। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पिलग्रिमेज के जो कम से कम साधनों के इस्तेमाल का जो एक कल्चर था उसको हम कैसे आधुनिक टूरिज्म बनाएं, जो बहुत ही हाई फाई वे में वहाँ आता है। हेलीकॉप्टर में आप आ रहे हैं, पानी की पता चला 10 लीटर की बोतल लिए जाने, वापसी में आप पानी हानी तो पी गए, पेशाब बन गई, लेकिन बोतल हमारे लिए छोड़ गए ताकि हमारी नदी को पॉल्यूट करे, हमारी नहर को पॉल्यूट करे, हमारी खेती को। कोई उस पर नियंत्रण नहीं है। चाइना ने बहुत नियंत्रण किया है। चाइना अब भारतीय पिलग्रिम को मानसरोवर में नहीं जाने देता है, बाल्टी से पानी भर के किनारे में नहाना पड़ता है। कम्युनिस्ट चाइना ने ये ईजाद कर दिया क्योंकि उसको अपनी लेक बचानी है, लेकिन वो पर्यटन से अपनी लेक को नहीं बचा पाएगा, मेरा कहना है, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा जहाज का अड्डा उन्होंने आली में बना दिया है मानसरोवर कैलाश के बगल में, जहां एक दिन में 5-5, 10-10 हजार लोग आ सकते हैं। लोग जिस दिन कैलाश के चारों ओर मंडराएंगे उस दिन ध्वस्त हो जाएगा। आखिर में मैं केदारनाथ का उदाहरण देता हूँ। केदारनाथ पहला ऐसा तीर्थ स्थल है जो पूरा सीमेंटेड बना दिया गया। मैंने एक फोटो दिखाई थी कहीं शुरू में, केदारनाथ 1882 का था। एक मंदिर है और चार झोपड़े हैं जिनमें पंडित पुजारी और मंदिर की ढाल करने वाले लोग रहते थे। लोग दर्शन करके चले जाते थे क्योंकि आस्था बहुत था, इसलिए तो अपने बेटे का नाम केदारनाथ सिंह लिखते थे, इसलिए तो अपने बेटे का नाम केदार, राहुल का नाम पता है ना आपको, केदार से जुड़ा। लेकिन अब क्या हो गया है कि वहां पहली बार सीमेंट की गुफा बनाई गई है मेडिटेशन के लिए। पहले हिमालय में गुफाएं बनी बनाई होती थी जिसको बाबा लोग चुपचाप ढूंढते थे और सदा के लिए वहां खो जाते थे अपने मेडिटेशन में, उनको दीन दुनिया से कोई संबंध नहीं होता था। अब हमारे यहाँ एक बाकायदा सीमेंट की वो बनाई गई है जिसमें टॉयलेट है जो मंदिर से ऊपर है और जहाँ हमारे देश के प्रथम व्यक्ति हो भी आए हैं। तो ऐसी शर्मनाक पद्धतियां जब आप तीर्थ स्थानों में अपनाएंगे और बड़े लोग अपनाएंगे तो बाकी जो छोटे मोटे शिव भक्त हैं वो तो फिर दंगा फसाद ही करेंगे ना, वहाँ गंदगी करेंगे। जैसे हमारे शिव के भक्त जब गंगोत्री जाने पर उतारू थे, वहां के इस तरीके से भोजपत्र के पेड़ तोड़ के ले आए लाठी बनाने के लिए, वो सब लोगों ने देखा, फिर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तीर्थाटन की पुराने पट्टियों से जाते हुए जो पिलग्रिमेज होती थी, यमुनोत्री से गंगोत्री, गंगोत्री से केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ, उस रूट में अगर आप जाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ कि आप 2 दशकों के लिए एनर्जी अपने शरीर में ले आएंगे। स्टीव एल्टर ने एक यात्रा की थी, उसकी किताब पढ़िएगा आप, पेंगुइन से छपी हुई है, सेक्रेट वाटर्स। उसने पूरी यात्रा पैदल की, वो हिंदू नहीं था, वो ईसाई था। हिंदू तो अब गाड़ी और हेलीकॉप्टर में जाने लगे हैं, हिंदू तो अब 1 करोड़ का दान दे आते हैं, फिर बड़ा अनाउंस दिया, फलाने एक्टर ने उसका उतना दिया, और शिव जी भी खुश हैं 1 करोड़ दे गया है, पंडित लोग खाएंगे, मंदिर की व्यवस्था में लगेगा। लेकिन पुराने जमाने में पिलग्रिम रूट की बात होती थी और बहुत बढ़िया थी। उस रूट में क्या था कि जो पिलग्रिम्स थे वो गांव के साधनों पर निर्भर थे। पूरे भारत के पिलग्रिम्स का उन गांवों से रिश्ता होता था और पूरी जिंदगी भर के होता। बाद में जब जाड़ों में वो गंगा जल लेके नीचे अपना काम करने के की कल्पना आदि शंकर ने भी नहीं की होगी, तब ऋषि मठ की स्थापना हुई, बनाया की यात्रा का, उसको आधुनिक टूरिज्म कैसे सीखे, एक ये बात। और आधुनिक टूरिज्म के लिए ये बात है कि वो कहीं से भी ये जो ट्रेडिशनल पिलग्रिमेज है उसमें घुसपैठ न करे, जैसे कि वो कर रहा है, और दोनों अपने अपने तरीके से आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अनेक बार ये होता है कि एक सैलानी भी एक अच्छा, एक बड़ा जिसको कहेंगे कि समझदार तीर्थयात्री हो सकता है, और अनेक बार एक अच्छा तीर्थयात्री जो है वो किसी हिल स्टेशन में जाके अच्छा पर्यटक भी हो सकता है। लेकिन सवाल समझदारी का है और हमने अभी समझदारी बढ़ा रखी, वो यही की बात नहीं है। आप काठमांडू जाएंगे वहां भी हाल है, कैलाश की वो हाल वही है, यूरोप के यहाँ नहीं मिली ये जरूर कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तीर्थों का बहुत बुरा हाल बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर भाई, और आपका व्याख्यान सुनने के बाद मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं भारतीय भाषा कार्यक्रम और हमारे सभी साथी आपके बहुत आभारी हैं, और अपनी इस नालायकी पे हमें अफसोस है कि हमने अपने आप को आपको पहले सुनने के लिए अपने आप को क्यों वंचित रखा।
और मुझे लगता है कि हम बार बार आपको तकलीफ अब देंगे और आपके साथ वैसे भी दूसरे तरीकों से भी संवाद करना चाहेंगे। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद आपके धैर्य के लिए, और इस कोरोना काल में कम से कम आप सबने दर्शन दिए मुझे, मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।